हाई स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एक बार सारी जल्दी से कनेक्ट कर लो हाई स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एम ऑडिबल विजिबल टू एवरी वन ठीक है तो आज हम करने वाले हैं पेपर डिस्कशन ऑफ लाइफ साइंस संजीव मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि कौन से क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो ठीक है सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पांच पेपर्स को एक दिन में डिस्कस कर ले स्टूडेंट्स वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग ममता गुड मॉर्निंग सी पी एल एंटरटेनर रतन ओके सो आई हैड मेड अ वीडियो स्पेशली जिसमें आप लोगों को हमने सारे क्वेश्चन बता दिए थे कि जिसको आप चैलेंज कर सकते हो और अभी हम लोग एक एक पेपर को कंप्लीट डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है

जो आपका जनरल पेपर होता है उसकी क्या मतलब वो रही है सारा वो ट्रेंड क्या रहा है कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे राइट आंसर्स क्या है उसके तो उसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके बाद okay, okay, okay. तो पार्ट ए पार्ट भी हम दोनों करने वाले हैं। जाना रखना है। का पेपर डिस्कस होगा सर ने आपको इतनी प्रैक्टिस कराई थी सीयूटी के लिए उम्मीद करता हूं की आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से आंसर किया होगा तो आप देख लेंगे कि सर और इस बेसिस कि नेक्स्ट ईयर का पेपर कैसा एक्टली एग्जैक्टली exactly, exactly, बिल्कुल मैम डेफिनेटली तो गाइस यस सर आई एम गुड ओके चलो बहुत अच्छी बात है आंसर की तो गलत आई है सर इस बार बेसिकली मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, है ना कि आंसर काफी ज्यादा ड्रॉप होने चाहिए थे ड्रॉप नहीं किए गए हैं इवन यूजी की भी वही ट्रेंड चल रही है बट लेट्स सी अगर क्वेश्चंस को गलत माना गया है तो वो सबके लिए गलत माना जाएगा है ना केवल आपके लिए नहीं माना जाएगा वो सबके लिए मार्क्स वो रिड्यूस किए जाएंगे

फटाफट फड़ से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मतलब आपने जो भी पेपर लिखा है आपने कॉम्प्रिहेंशन का जो आंसर किया होगा किसके पाँच में से पाँच सही हुए हैं एनी वन कोई मुझे बता सकते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को उन्होंने सारा का सारा करेक्ट किया है फटाफट फड़ से मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में फिर हम बाकी के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं गाइस क्विक संजीव आयुष रतन विजय सी पी एल एडेट्स ओके दिनर रतन ममता यू प्लीज टेल किनके सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए थे कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में सो दैट वी मूव further. फटाफट से बताएंगे गाइस आखिर चुप क्यों हो गए सब ठीक है संजीव मैं बिल्कुल प्रे करूंगा कि आपका इतने मार्क्स पे आपको बीएचयू मिल जाए अगर आपकी इच्छा है बीएचयू से पढ़ाई कंप्लीट करने की ठीक है वी कैन प्रे फॉर यू बट वी वॉन्ट आंसर्स कि आप मुझे बताओ कि जिन्होंने भी कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन अटेंड किया था किनके पांचों में से पांचों क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट से आंसर करेंगे सीपीएल एडिट्स नो सर तो फिर कितने आंसर सही हुए है? बताओ मुझे बस एक करेक्ट हुआ और क्वेश्चन पांच में बहुत कंफ्यूजन था तो लीव कर दिया ओके सर मैंने चेक नहीं करे आंसर की से गलत थी इसीलिए ओके okay, कोई बात नहीं है गाइस तो फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखोगे देखो कॉम्प्रीहेंशन देखो, वाले सेक्शन को मैनेज हो रहा है ठीक है और मोर और लेस इसकी जो आंसर रही है वो सही रही है तो वो आप अपने आंसर की से चेकआउट कर सकते हो ये सारा कॉम्प्रिहेंशन वाला ही सेक्शन था ठीक है आप यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्री वेरिकेशन इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है आंसर आप चेकआउट कर सकते हो प्री वेरिकेशन का मतलब क्या है टू स्पीक इन अ मिसलीडिंग वे ठीक है देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला कंडीशन है यहाँ पे मिस केडिंग वर्ड लिखा हुआ है ये मिसलीडिंग वे होगा प्री वेरिकेशन का मतलब होता है कि आप जब मैनुपलेट करने की कोशिश कर रहे होते हो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे होते हो ठीक है आगे देखो एडवर्सेरियल इसका मतलब क्या बताया गया है बी का वन यानी कि इन्वॉल्विंग कंफ्लिक्ट और अपोजिशन जब आप कॉन्फ्लिक्स वगैरह में क्या कर रहे होते हो शामिल हो रहे होते हो क्राइवल का मतलब क्या बताया गया है आप देखिए चेयरफुल एंड फ्रेंडली यहाँ पे क्या लिखा है देखो गाइस केयरफुल ठीक है वो चेयरफुल एंड फ्रेंडली है खुशी दोस्ताना बात समझ में आ गया एंड ऑर्केस्ट्रेट इसका मतलब क्या बताया गया है टू अरेंज केयरफुली फॉर डिजायर रिजल्ट यानी कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को अलाइन कर रहे होते हो ठीक है ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है आगे देखिए कॉम्पिटेशन के फर्दर क्वेश्चन है मैंने एक दो आपको इलाबोरेट किया है बाकी आप क्या करोगे इससे चेक करोगे जो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है जो आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा फटाफट से हम आते हैं मेन क्वेश्चन वाले सेक्शन में ठीक है जस्ट मैं इसे मूव करता हूँ आगे अब देखो ये पॉडकास्ट को लेकर बताया गया था बात पॉडकास्ट जर्नलिज्म और हम वाई पे यानी कि यूट्यूब पे आजकल काफ़ी ज़्यादा पोडकास्ट का ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पे वो चीज़ें आपको फ्लोट होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है केवल आप वोकल सुन रहे होते हो कोई स्टोरी बता रहा होता है वो पोडकास्ट होती है अब देखते हो ना मन की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हम बस उन्हें सुन रहे होते हैं केवल ठीक है ये सारा कुछ अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इसीलिए आपसे इसके बेसिस पे सवाल पूछा गया है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या था दिस समर 2024 समर ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाय ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा तो आप आंसर देख सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन पैरिस ठीक है आप देखो यहाँ पे पेरिस इज द राइट आंसर जो कि हेल्ड जहां पे हेल्ड होने वाली है आपकी 2024 की सरब समर ओलंपिक गेम्स ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे आगे देखिए एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ब्रीथिंग वाइल्ड स्विमिंग अंडर वाटर यानी कि आप सांस ले रहे होते हो पानी के अंदर आप तैराकी कर रहे होते हो आपने इसे क्या बताया था स्कूबा वेरी गुड सीपीएल एडिट बहुत अच्छी बात है आपने सही बताया है आंसर डिलीट मत कीजिए और अगर गाइस आपने वहां पे भी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करके आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं थे फिर दूसरा कुछ अटेम्प्ट कर दिया है और वो जो गलत हो गई है तो ये भी हमारे लिए मिस्टेक की बात है ठीक है हमें अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट होना पड़ता है अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमित सर से वो आएंगे और आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते ठीक है सो ऑफ टू यू सर काइंडली बच्चों को बताइए कि इसका राइट right आंसर क्या होगा और वो कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको थैंक यू सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये क्या दिया गया कि इफ किस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द दैरामीटर ऑफ एन तो ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई राइट right, और ऑफ अ इक्विटरल ट्रैगल पैरामीटर मीन्स क्या होता है आप साइड के लेंथ को क्या करते हो ऐड करते हो राइट right. तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रैंगल में हर एक साइड क्या होता है इक्वल होता है आपका तो अगर ए हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए थ्री ए के इक्वल हो गया ये तो यहां से आप क्या करो ए और आर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो और उसके बाद आप देखो आपको रेशियो क्या निकालना रेशियो निकालना है एरिया का जब आप ट्रायंगल के एरिया की बात करते तो ये क्या होता है आपका रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर और आप सर्कल का एरिया क्या होता है आपका आई आर स्क्वायर राइट तो यहां से अगर आप आर की वैल्यू क्या करोगे फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो गया आर इज इक्वल टू थ्री बाई टू ए बाई पाई, राइट अब आप देखो यहां पे क्या है आर स्क्वायर है आपकी तो आर स्क्वायर के जगह पे ये पुट कर दो तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर इज टू पाइव आर का स्क्वायर करोगे इसका तो ये क्या हो गया आपका नाइन ए स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर ओके तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो नाइन ए स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर अब देखिए आप इस पाई को इस स्क्वायर से कैंसल आउट कर सकते हो आप ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया नाइन को आप क्या लिख सकते हो थ्री इंटू थ्री और थ्री को क्या लिख सकते हो आप रूट थ्री इंटू थ्री ठीक है तो आप इस नाइन को क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप देखो रूट थ्री बाई फोर इज टू यहाँ पे हो गया आपका क्या थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाय फोर फाइव ये फोर से फोर कैंसिल हो गया आपका रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया अब आप देखो अब यहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे इसको तो ये क्या हो गया आपका 3 3. आपके ऑप्शन में क्या है यहाँ पे देखिए थ्री रूट थ्री इज टू फाइव ओके तो यहाँ पे आपका जो है जो रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ पे ये आ, नहीं बताया गया है आपको कि पहले आपको ट्राइंगल का लेना है फिर आपको सर्कल का लेना है अगर ये नहीं दिया गया है, तो आप रेशियो क्या कर सकते हो अगर ऑप्शंस में इंटरचेंज है तो वहां पे आप उसको टिक कर सकते हो लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता मेंशन किया हुआ रहता कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल तो फिर आप क्या करते आप ट्राइंगल का पहले लेते उसके बाद सर्कल का अगर सर्कल का पहले दिया हुआ रहता मतलब ये अगर सिक्वेंस आपको दिया हुआ रहता तो आप उस हिसाब से उसको चेंज करते ठीक है तो ये आंसर जो है ये आपका करेक्ट था यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे आकाश सर आपके साथ थैंक यू सर तो गाइस समझ में आ गया होगा इट वाज करेक्ट चलो बहुत अच्छी बात है रतन बहुत अच्छी बात है विच यूनिवर्सिटी शुड आई अप्लाई विद 120 स्कोर ओके देन अगर मान लीजिए मैंने सुना है कि आज से शायद आपका ओपन होने वाला है ना आई थिंक वो सारे सेक्शंस तो आपने पहले प्रिफरेंस तो डाले होंगे ना जेड़ा कि किस यूनिवर्सिटी से आप वो करना चाहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर ना ट्रेंड देखो ठीक है कि पिछला ट्रेंड क्या रहा है आपके सी यू टी एग्जामिनेशन का तो मोर और लेस एग्जामिनेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा और गाइस हम लोग थोड़ा माफी मांगना चाहेंगे बिकॉज हम आपके साथ जो जुड़े हैं ना वो पेपर वन के डिस्कशन के लिए जुड़े हैं यानी कि जनरल एप्टीट्यूड जो आपके जो बायो वाला सेक्शन है ना माइक्रो सारा कुछ वो बेटर होगा कि आप अपनी मैम से पूछो वो बेटर वे में आपको आंसर कर पाएंगे ठीक है क्योंकि हम एक तरीके से गेस्ट की तरह है जो बहुत कम बार दस्तक देते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे ठीक है तो ध्यान देंगे अब गाइस अगला क्वेश्चन क्या था समवन इज एट द एंड ऑफ़ दे आर अब आपको यहां से चॉइस करना था तो देखो इस बार मैंने देखा है आपके क्वेश्चंस में ट्रेंड काफी ज्यादा एंड के सवाल पूछे गए हैं और इसका मतलब क्या होता है एट द एंड ऑफ इस का मतलब होता है कि आपको कोई इतना परेशान किया है इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें बिल्कुल आर यू गेटिंग माई पॉइंट मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि अब करे तो करे क्या इतना ज्यादा परेशान आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो गॉट इट तो देखो इसका राइट right आंसर क्या है एंड द राइट आंसर अब आप बता पाओगे है ना ओके देखिए यहाँ पे द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि डेस्परेट अनेबल टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस हालात में हम कैसे इससे क्या करेंगे सामना करने वाले हैं ठीक है तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस के काफी ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपसे ये पूछा गया था आप देखते हो ना कि चार वेदा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग फोर वेदास है वहां पे वही सेक्शन आपको दिया गया है ये जो वेद ऋग्वेद ऋग्वेद तो भी अगर आपको याद होता ना जहाँ पे मेडिसिन वगैरह से ये एसोसिएट करती है तो शायद आप इसके बेसिस पे भी आंसर को कर पाते ठीक है सर प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वेश्चन गलत आंसर दिखा रहा ओके देन

ताकि थोड़ा बहुत मैं भी माइक्रोबायोलॉजी जानूं ताकि आप लोग के साथ मैं दे सकूं थोड़ा ठीक है तो गाइस देखो मेरा जो एरिया है मैं उसे डिस्कस करता हूं आप अगर देखोगे ऋग्वेद के बारे में तो ये रिलेट करती है मेडिसिन से ठीक है उसके बाद आप देखिए करेक्ट आंसर क्या है अगर आपको ये भी पता होता तो शायद आप इसके बेसिस पे भी कैलकुलेटिव गेस ले पाते ठीक है द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू जहां पे ए का क्या गिवेन है टू गिवन है यानी कि यजुर्वेद या रिलेट करता है आर्ट ऑफ वॉरफेयर के साथ में सामवेद रिलेट करती है आर्ट एंड म्यूजिक के साथ में अथर्वेद रिलेट करती है किसके साथ में आपके आर्किटेक्चर के साथ में एडिक अटैच होती है किसके साथ में मेडिसिन के साथ में द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू ठीक है चलिए ओके okay. अच्छा ए वहां पे करेक्ट बता रहा है क्या बट आंसर्स आपके गिवेन थे बी ओके okay, तो देख लीजिएगा एक बार ऋग्वेद तो मुझे पता है कि वो मेडिसिन से क्या करती है रिलेट करती है एनीवे anyway, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है गोइंग टू समन वेरी हम्पली एज इट लेगिंग एज गोइंग टू समन यानी कि आप किसके पास जाने वाले हो ऐसा ही सवाल पूछा गया और गाइस ये वो नहीं है कि जो आप बिल्कुल लिटरल इंग्लिश रीड करते हैं ठीक है मैंने आपको बताया जैसा कि पैटर्न रहा था इस बार काफी ज्यादा आपसे पूछे गए हैं इसके बारे में सवाल ईडीएम प्रेस को लेकर तो देखो राइट right आंसर क्या था राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से ट्रैक कर रहे होते हो तो बहुत ज्यादा हम्बली ग्रीट करते हो उन्हें है ना पहली बार आप हम्बली ग्रीट कर रहे होते हो बहुत अच्छे प्रॉपर जेस्टर में आप उनसे मुलाकात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैप इन देंड ठीक है इट इज लैगिंग एज कैप इन देंड गोइंग टू समन ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आपसे पूछा गया है मोर और लेस कोडिंग डिकोडिंग या फिर आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो इसे इफ बनाना इज एज बटर यानी कि बनाना को क्या बुलाया गया है बटर ठीक है और बटर को क्या बुलाया गया है बटर को बुलाया गया है सोप ध्यान से देखिएगा एस ओ ए पी उसके बाद क्या है सोप को बुलाया गया है हनी ठीक है सोप को बुलाया गया है हनी ओके करते हैं क्वेश्चन था और सोप को क्या बुलाया गया है हनी बुलाया गया है सो हनी विल बी द करेक्ट आंसर देखिए ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था आपको बस पूछा गया कि आप कपड़े धोने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करोगे और सोप को यहाँ पे हनी बताया गया है ठीक है चलिए

यहाँ पे ये आपका क्या है प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये क्या है अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट में क्या चीजें आती है आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ओके तो इस अमाउंट में आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एडेड है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी एडेड है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पांच साल में इस प्रिंसिपल पे आपका जो है इस रेट पे मतलब जो आप सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कितना रह रहा है तब जाकर के आपका अमाउंट कितना हो रहा है इक्कीस हजार सात सौ पच्चीस तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो ना तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कितना फाइंड कर रहे हो ये आती है आपकी जो पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड करते हो ठीक है लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो तो यहाँ पे आपका क्या आता है अमाउंट ठीक ये चीजें आप ध्यान रखना तो यहाँ पे आप देखो कि सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हो तो ये क्या करते हैं हम लोग पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड जहां पे आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल कितना है यह आपका पंद्रह हजार आठ गुने रेट आपको निकालना है टाइम कितना है पांच साल बाई हंड्रेड और ये आप यहाँ पे इंटरेस्ट लोगे तो इक्कीस हजार सात सौ पच्चीस यहाँ पे प्रिंसिपल भी आएगा तो प्रिंसिपल को आप माइनस कर दो यहां से इक्कीस हजार सात सौ पच्चीस माइनस पंद्रह हजार आठ ये कितना हो गया इसको आप माइनस करोगे तो ये हो गया आपका फाइव सेवन और अठिन ग्यारह थ्री यहाँ पे आठ नौ आ, नौ आठ सत्रह नाइन राइट और यहाँ पे बीस हो गया तो पाँच हो गया कितना पाँच ये हो गया आपका फाइव नाइन फाइव जीरो राइट फाइव नाइन यहाँ पे ओके जस्ट मिनट इक्कीस पचहत्तर पंद्रह अस्सी ये हो गया पाँच नौ पाँच पाँच सौ नब्बे तो यहाँ पे आप देखो ये डबल जीरो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया आपका तो ये एक सौ अंठावन गुने पांच यहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा इसको आप सॉल्व करना ये कितना आ जाएगा आपका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है आपका केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस ठीक है तो यहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुमार इज द ब्रदर ऑफ रेनु प्रसन्ना इज द सिस्टर ऑफ कुमार तनु इज द ब्रदर ऑफ सौम्या एंड सौम्या इज द डॉटर ऑफ रेनू वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कुमार एंड तनु जब भी आपके पास ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कुमार और तनु के बीच में क्या रिलेशनशिप है तो आप क्या देखोगे कि जो लास्ट वाला है ना ये फर्स्ट वाले को क्या बोलता है आप फैमिली ट्री बनाओ वहां पे देखो ये इसको चाचा बोल रहा है या फिर चाची बोल रही है जो भी बोल रहा है अगर वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल था भी नहीं आपको उतना लंबा चौड़ा फैब्रिक ट्री बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी अगर आप देखोगे तो क्या बताया गया सिंपल जैसे क्वेश्चन बता रहा था वैसे आप जा सकते थे कुमार इज द ब्रदर ऑफ रेनू तो आप इसको प्लस साइन दो अपना इंडिकेट करने के लिए अपना वे होता है कि आप कैसे बता रहे हो यानी कि क्या ये मेल कैंडिडेट है कुमार इज द ब्रदर ऑफ रेणु तो आप देखो ये रेणु क्या हो गई रेणु के बारे में मुझे नहीं पता है बट नाम से लग रहा है वो क्या होगी एक लेडीज ही होने वाली है ठीक है ये माइनस किया प्रसन्ना इज द सिस्टर ऑफ कुमार अब देखो यहाँ पे जो प्रसन्ना हमें मेल लग रहा था आमतौर तो पे वही सिस्टर है इसीलिए ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं ठीक है प्रसन्ना क्या है ये सिस्टर है कुमार की ठीक है तनु इज द ब्रदर ऑफ सौम्या अब इन तीनों में तनु को देखकर कुछ पता नहीं चल रहा रिलेशन नहीं दिया गया है हम कहीं और पे लिखते हैं तनु क्या है वो तनु इज द ब्रदर ऑफ सौम्या यानी कि ये ब्रदर है किसका सौम्या का ठीक है एंड उसके बाद क्या बताया गया एंड सौम्या इज द डॉटर ऑफ रेणु अब देखो ये डॉटर है किसकी रेणु की अब ये पता चलता है गाइस ये समझ में आ गया लॉजिक अब देखो यहाँ पे क्या है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कुमार एंड तनु तो आपसे पूछा गया है कुमार के बारे में आपसे पूछा गया था तनु के बारे में अब एक बात को समझिए इसके बारे में पूछा गया था और इसके बारे में पूछा गया था कुमार एंड तनु पूछा गया ना सॉरी हाँ इसके बारे में अब देखो यहाँ पे क्या है इन दोनों के बारे में पूछा गया था तो रेनू का ये भाई था ना कुमार यानी कि आप अपने मम्मा के भाई को क्या बुलाते हो मामा बुलाते हो तो फिर आंसर क्या हो जाएगा अंकल एंड नेफ्यूज वो उनका भगना हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे दी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन ठीक है क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहा था आप लॉजिकली वैसे आगे बढ़िए बहुत लंबा चौड़ा फैमिली ट्री बनाने की आवश्यकता भी नहीं है आप लॉजिकली भी क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे वर्ड पूछा गया है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है तो आप आम तौर पर सुनते होंगे ना बैलिस्टिक को कर, तो आप देखो ये क्या है इसका आगे बढ़ते हैं अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका थ्री मैन एंड फोर बी मैन कैन अर्न इतना इन सेवन डेज सो तो आई वुड लाइक टू तो कॉल इसको समझाएंगे ठीक है सो ऑफ टू यू सर प्लीज सर यहाँ पे देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे दिया हुआ रहता है कि थ्री मैन फोर ओमैन ये मिलके कोई काम को क्या करती है चार दिन में कंप्लीट करती है फिर आपको दूसरा कंडीशंस दिया हुआ रहता है कि आ, फोर ओमेन और, और आपकी आ, फोर मैन और एट ओमेन ये सेवन डेज में एट डेज में दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप दिया हुआ रहता है आपको अगर इस नंबर में मैन का जो कॉफिशियंट है यहाँ पे और यहाँ पे वोमेन का जो कॉफिशियंट है यहाँ पे और यहाँ पे ये अगर एक दूसरे का क्या है फैक्टर है तो वहां पे आप डायरेक्ट डे को क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो अदरवाइज आपको क्या करना है कि जो वर्क हो रही है W1 वन इंटू डी बाई आपका जो रूपी आप क्या कर रहे हो इससे अर्निंग जो हो रही है आपकी यहाँ पे आप क्या करते हो रूपी वन ये रेशियो जो होगा ये हमेशा क्या होगा आपका इक्वल होगा ठीक है तो यहां पे आपको क्या करनी है थ्री मैन प्लस फोर ओमेन इसको कितना टाइम लग रहा है इसको सात दिन लग रहा है और ये पैसा कितना कमा रही थ्री सेवन एट जीरो प्लस थर्टीन ओमेन इंटू एट डेज ये आ गया कितना पंद्रह जीरो चालीस यहां से मैन और वोमेन के बीच में क्या होगी आपके पास रिलेशनशिप पा आ जाएगी राइट right. और उसके बाद आप क्या कर सकते हो या फिर यहां पे ही आप क्या कर दो इसको इक्वेट कर दो सेवन मैन प्लस नाइन इसको कितना दिन लगेगा ये आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है तो यहां पे आप क्या कर दो डीप डाल दो और फिर नीचे में कितना कमा रहा है बारह हजार चार सौ इसमें से किसी दो रेशियो को आप इक्वेट करो आपको क्या आ जाएगा आंसर यहां पे मिल जाएंगे आप ठीक है और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा टेन डेज तो अगर ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो रही है तो सात मैन और नौ वोमेन को बारह हजार चार सौ रुपए में कितना दिन लग जाएगा दस दिन लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनवरी 2023 में गवर्नर कौन थे ये सबको पता है कौन थे शक्ति दास लेकिन यहां पे आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है शशिकांता दास ये नहीं है वो शक्ति दास है ठीक है नेक्स्ट देखिए व्हेन अ फिल्म इज हिट द प्रोड्यूसर क्या होता है प्रोड्यूसर का गोज फॉर अ जगलर पॉल पॉल्स समवनस लेक लाफ ऑल द वे टू द बैंक और बी इन द टू माइंड्स तो यहाँ पे आप देख लो फिर इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन है आपके तो ये सीईटी का जलवा चल रहा है आपका ओके okay, गाइस तो देखो जब एक फिल्म हिट होती है है ना फिल्म हिट होती है आपने देखा है ना बाहुबली वगैरह सारा कुछ तो वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं काफी ज्यादा तादाद में वो अर्निंग कर रहे होते हैं फिल्म इज हिट जब फिल्म हिट हो जाए, juggler, उसके लाफ अब देखो यहां से कुछ लोग क्या कर सकते थे इसे टिकआउट कर सकते थे कैलकुलेटिव गेस कर सकते थे लाफ ऑल द बैंक का मतलब ये होता है कि आपने फिनेंशियली काफी अच्छा खासा अर्निंग किया है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो ठीक है गोस फॉर द जगलर इट मीन होता है कि आप किसी को डिसीव करने की कोशिश कर रहे होते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि कभी ना कभी ना इन सारे वर्ड से भी हमारा सामना बहुत कम होता है आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो आप लोग पढ़ रहे होते हो टच में रहते हो तो आप लोग ज्यादा बता पाओगे फॉल्स लेक्स का मतलब है कि आप किसी को परेशान या फिर चीट करने की कोशिश करते हैं बी इन टू तो पता है कि जब हम डायलेमा में होते हैं उलझन में होते हैं यानी कि हम ये काम करें या ना करें ऐसा होगा या फिर नहीं होगा बात समझ में आ गई एंड फॉर द जगलर गाइज एक बार आप अपने एंड से चेक कर लीजिएगा ठीक है इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं ठीक है कुछ चीजें हमारे लिए भी न्यू होती है एनीवे anyway, वे अब देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट आपसे सिलॉग से क्वेश्चन पूछे गए थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ दी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपसे पूछा क्या गया सम बैग्स आर अब मैं क्या करता हूं ऐसे बनाता हूं इसमें क्या रखता हूं बैग्स ठीक है बी ए जी इसमें क्या बताया गया सम बैग्स आर पॉकेट तो आप कैसे करते हो बेन डायग्राम से यानी कि ये वाला सेक्शन ये वाला सेक्शन ये क्या है कुछ बैग जो है वो क्या है पॉकेट्स है ठीक है नो पॉकेट इज अ पाउच ये जो पॉकेट वाला सेक्शन आप देख रहे हो इसमें से कोई भी पॉकेट जो है वो क्या है पाउच नहीं है ठीक है पाउच नहीं है तो पूछा क्या गया है आपसे कंक्लूजन नो बैग इज अ पाउच कोई भी बैग क्या है पाउच नहीं है आप यहां से देख सकते हो कोई भी बैग पाउच नहीं है लेकिन भैया सम बैग और पाउच ये तो गिवन था सम बैग्स आर नॉट पाउच अगर आप देखो कि सम बैग्स पाउच है तो सम बैग्स नॉट पाउच हो सकते हैं सम पॉकेट्स आर बैग्स और कुछ जो पॉकेट होंगे वो क्या होंगे बैग होंगे ये सारा सेक्शन आप बैन करके दिखा सकते हो और राइट आंसर क्या निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर टू ऑप्शन नंबर सॉरी एंड क्या है पे करेक्ट है आप देखो यहाँ पे टू में क्या है सम बैग्स आर नॉट पाउच तो आप देखो यहाँ पे कुछ जो बैग हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं पाउच नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ ही क्या थे वो पाउच वाले सेक्शन में थे और अगला क्या है सम पॉकेट्स आर बैग्स और जो कुछ पॉकेट है वो क्या हो सकते हैं बैग हो सकते हैं आप देखो नो पाउच इस क्या था पॉकेट था लेकिन ये इसका पॉसिबिलिटी बनता है कि ये हो सकता है ठीक है सो टू एंड थ्री विल बी द करेक्ट आंसर इस बात को ध्यान रखेंगे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था काफी आसान यहां पे आप क्या करोगे इंटू टू कर रहे हो सॉरी इंटू थ्री कर रहे हो इंटू थ्री देन इंटू देन इंटू थ्री देन इंटू टू ये ट्रेंड चलेगा इंटू थ्री देन इंटू टू ठीक है वन जीरो आ जाएगा टू वन सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर गॉट इट चलिए बहुत अच्छी बात है आगे देखो नेक्स्ट क्या है और आई वुड लाइक टू कॉल सो मिस सर वो आपको बताएंगे आकर और गाइस अभी का जो ट्रेंड देखने को मिला है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस आपके टाइम एंड वर्क हमने काफी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किया था अगर आपको याद हो तो ठीक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सॉल्व भी किया होगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान है भी नहीं अगर आपको फॉर्मूला पता होगा बिल्कुल आप लॉजिकली सोचोगे क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ोगे तो आपने बखूबी सॉल्व भी किया होगा इसे ठीक है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं एनी anyway, वे मैं बस यही दुआ करूंगा कि सभी का क्वालिफिकेशन सॉरी वो क्या हो जाए सिलेक्शन हो जाए आपके मन कॉलेज में ठीक है टू यू यस सर यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा लाइफ हो या फिर कुछ भी हो जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमको रिटर्न मिलता है राइट तो यहाँ पे आप देखो दो इन्वेस्टर है एक है रवि और दूसरा क्या है रोहन ये दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक इन्वेस्ट कर रहा है अठारह एक कर रहा है बहत्तर तो जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा आप स्टडी टाइम में ही ले लो जो जितना आवर ज्यादा स्टडी करेगा उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे राइट तो यहाँ पे आप देख लो कि ये कितना प्रोडक्ट हो रहा है तो अगर आपका यहाँ पे रिटर्न एक का आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा फोर का आएगा क्यों क्योंकि आप अगर आप जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका यहाँ पे क्या है रबी कर रहा है अगर अठारह 18 तो में अगर आप चार से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ बहत्तर हजार राइट अठारह तो अगर इसको एक का रिटर्न मिलेगा तो इसको फोर का मिलेगा राइट right. और हम रेशियो में क्या बात करते हैं हमारा जो फ्रैक्शन होता है वही, तो यहाँ पे आप देखो कौन है आपका वन इज टू फोर इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था आपको ये नेक्स्ट देखिए ये है आपका स्टेटमेंट्स दिया हुआ है आपका जहां पे

मे की बात तो कर ही नहीं सकते कि मे इनकर द लॉस जब पूर्वक बना ही रहा है आपको तो तो चाहेगा ना कि लॉस मतलब होना ही है तो यहां पे भी क्या है मे मे है तो इसलिए दोनों मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे लेकिन ये गैम्बल है तो ये क्या है आपका ये कन्फर्म है ये कन्फर्मिटी है, है आपकी तो दोनों क्या है दोनों इनकरेक्ट होगा नहीं मे बी गेन नहीं हो सकता आपका ठीक है तो यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है आपका इफ 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 ओनली ओनली इज इज आइदर बोथ द आर ठीक है मतलब कोई भी फॉलो नहीं करेगा इसका आंसर जो है ये ये हो जाएगा आइदर और नहीं होगा मे की बात ही नहीं है यहाँ पे आप गैम्बल की बात कर रहे हो राइट राइटेक्टली गाइस बट एक तरीके से अगर आप और भी सोचोगे ना तो अगर मान लीजिए कि गैम्बलिंग करते हो ना और तरीके से होता है जुआ ठीक है आईपीएल मान लो आता है आप टीम सेलेक्ट करते हो आप जीत भी सकते हो नहीं भी जीत सकते हो प्रोबेबिलिटी को भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है लेकिन, लेकिन सर, अगर आप बिल्कुल पे पे अगर आप तो तो वो जीरो सम गेम में ही होगा एग्जैक्टली तो सर मुझे लगता है ना थोड़ा सा इकोनॉमिक से अलग हटकर शायद इसे सिंपल रखने की कोशिश की गई है कि देखा आप क्या कर रहे हो गैमलिंग कर रहे हो तो मे भी चांसेस बनती है कि आपके कूपन में लिखा हुआ है वो बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे कि आप इन चीजों को जीत सकते हो फिर आप जीत भी सकते हो नहीं भी जीत सकते हो बात समझ में आ गई और चीजें बताई गई है

अगला क्वेश्चन को सुमित सर डिस्कस करेंगे आपके साथ में सो ऑफ टू यू सर सर यस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि अ अ शॉप शॉप हैविंग सेल सेल पे में लगाते हैं ठीक है तो वो नोटबुक है जहाँ पे आप क्या किया जा रहा है पचास रुपए पे दिया जा रहा है और उस पर बारह परसेंट का डिस्काउंट है नोटबुक पे प्राइस कितना है पचास रुपया लिखी हुई है बारह परसेंट का डिस्काउंट है पेन जो है ये थर्टी रुपीज है आपका नंबर नहीं है थर्टी रुपीज वहाँ पे मार्क्ड है पेन पे और पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है ये रुपी नहीं है ये आपका क्या है क्वांटिटी दी हुई है कि दस नोटबुक्स खरीदता है शेखर और तीन पेन खरीदता है तो आपको क्या करना है बताना है कि इस सेल की वजह से जो शेखर है है ये कितना रुपया बचा पाता है? तो अगर आप बात करते हो एक नोटबुक खरीदता है तो एक नोटबुक पे कितना बचा रहा है ये फिफ्टी का बारह परसेंट क्या होगा ये बचाएगा तो बारह परसेंट मतलब बारह बटीस सौ ये पांच दो न दस और ये हो गया सिक्स राइट

4.5 सेव किए हो तो तीन पे कितना करोगे? Uh, 12 और into five into three कितना हो जाएगा आपका? 1.5 तो ये हो गया आपका 13.5 13.5 plus 60 कितना हो गया आपका? 73.5 ये कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर फोर में तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ओके क्लियर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

आप लोगों ने क्या टिक किया है इवन आपने कैलकुलेटिव गेस्ट भी क्या लिया है और आप देखते हो ना दिल्ली पे आमतौर पर यह झगड़ा चल रहा होता है है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी के बीच में वहां के सीएम के बीच में अभी भी पावर शेयरिंग को लेकर कुछ ना कुछ विवाद चल रही होती है और शायद कुछ दिनों में आ, कुछ आने भी वाला है अमेंडमेंट है ना कुछ चेंजेस होने भी वाले हैं कुछ चीजों को लेकर आया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा दिल्ली के पावर शेयरिंग को लेकर ठीक है सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट ओके एंड यू आर एप्सोल्यूटली करेक्ट है ना सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट में ही क्योंकि गाइज देखो इसके पहले क्या है ना जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था दिल्ली को जो हमारी कैपिटल है वो किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा और जो पावर था उसका इलाइेशन किसके द्वारा किया जाता था एल जी के द्वारा बात समझ में आ रही है इस अमेंडमेंट में लोगों को राइट दिया गया कि वो अपने वॉइस को चॉइस कर सकते हैं गॉट इट सो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके बाद से आपकी पेपर टू की जर्नी स्टार्ट होनी है जहां पे आपकी मैम आएंगी और बिंदास होकर जितना सवाल पूछना है ना पूछो पेपर टू के ठीक है वो आपको अच्छे से आंसर करेंगी और मैं भी जा रहा हूँ फटाफट से आपके साथ जुड़कर वो सॉल्व करूंगा है ना मैं देखूंगा कि मैम आपको क्या क्या बता रही है टू यू यू मैम एंड थैंक सो मच सर आपसे एक सवाल था कि हमने जो प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गु� प्रीवियस ईयर इस बार का पेपर कितना सिमिलर आया है उससे मैम मोरलेस मुझे लगता है कि वो सिमिलर ही रहा है बस मैं स्पेलिंग को छोड़ ना मैम तो मैं अगर बात करूं स्पेलिंग को तो मैं पचास क्वेश्चन लगभग मैं डिलीट कर देता क्योंकि स्पेलिंग okay. इतना ज्यादा मिस्टेक देखने को मिला है बट पेपर ज्यादा टफ नहीं था ठीक है पेपर मोर लेस इजी रहा है चाहे आपने पेपर बन भी देखा होगा अभी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपसे पूछे गए हैं इवन अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की भी बात करोगे आप सिलास की भी बात करोगे आप देखो कितना आसान कितने क्वेश्चन में तो आपको पेन पेपर की आवश्यकता भी नहीं थी ठीक है गायक आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे जैसे अभी आपने देखा वन टू फोर आ गया रेशियो यानी कि जो सर आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर बता रहे थे यानी कि वहां पे आपको मोर लेस ज्यादा ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती केवल लॉजिकली क्वेश्चंस को पढ़िए आपका दिमाग ही आंसर दे देता है ऑटोमेट ठीक है चलिए थैंक यू सो मच सर 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 हमको करने के लिए so और कल कल भी भी मिलने वाले हैं 11 बजे with a new discussion of botany paper. तो सर, आप को कल भी करना है चलिए तो so बच्चों तो स्टार्ट करें लाइफ साइंस का पेपर अभी आ गए सारे अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना द एंटायर पेपर ऑफ लाइफ साइंसेस क्या क्वेश्चंस थे कैसे क्वेश्चंस थे सारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक बार सारे बता दो आ गए हो गए प्रेजेंट लाइफ साइंस में था कोई चैलेंजेबल क्वेश्चन क्या आपके लाइफ साइंस में था आ, ये तो फिलहाल हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे रतन नाइनटी फाइव परसेंट कितने नंबर तक होंगे वी विल हैव टू चेक

25 में से देखा जाए तो मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे कुछ जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस थे मे बी अगर आपको नहीं आता हो लाइक द लास्ट क्वेश्चन ट्वेटी फिफ्थ क्वेश्चन तो उस केस में मैं आपको बोल दूं कि चलो ठीक है ये आपको नहीं आता था बट मैथमेटिकल जो क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे रेशियो प्रपोर्शन पर्सन वाले क्वेश्चन तो काफी ईजी आए थे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा पहला सवाल बोला गया है फूड बॉन्ड बैक्टीरिया दैट कॉज अक्यूट बैक्टीरियल वॉमिटिंग एंड डायरिया मतलब की बात की जा रही है बच्चों एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो कॉज करता है फूड रिलेटेड इंफेक्शन ठीक है जो बात करता है फूड रिलेटेड इंफेक्शन की ठीक है सत्यम डेफिनेटली मिल जाएगा वन इट इज अ गुड स्कोर ओके वन इट इज अ गुड स्कोर आपके लगभग पचास से थोड़े से कम परसेंटेज आए हुए हैं बट सीयूटी में इतने सारे कॉलेजेस हैं तो आपके चांसेस डेफिनेटली है सीवीटी में बहुत सारे सीट्स है दो सौ के आसपास ही है तो ट्राई करना डेफिनेटली मिल जाएगा ठीक है और बच्चों जैसे ही कट ऑफ हमको पता चलेगा यूनिवर्सिटीज का हम आपको डेफिनेटली अपडेट कर देंगे आप लोगों का फिलहाल शीट आया है इस बेसिस पे आप लोग ने चैलेंज कर दिए होंगे क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेबल क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने बता दिए थे कुछ जो क्वेश्चंस ड्रॉप करवाने थे वो हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था तो दे हैव डेफिनेटली लाइक डन दैट क्वेरी एंड उसका भी आपको मिल जाएगा मार्क्स उसके बाद में आपका एक फाइनल आंसर शीट आएगा और आपके कॉलेजेस के सारे कट ऑफ भी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे तो डोंट वरी आपको सारा हम यहाँ पे अपडेट करेंगे जिन बच्चों का स्कोर फिफ्टी के आसपास वगैरह आ रहा है बी प्रिपेर आपको चांसेस डेफिनेटली है यहाँ से ठीक है चलिए तो क्या बोला गया है फूड बॉर्न बैक्टीरिया पूछा गया है अब मुझे यहाँ पे ये पता है बच्चों की आपका जो ये होता है क्या कॉज करता है ये कॉज करता है टिटानस जो एक रस्ट से होता है अगर हम बोलते हैं मेटल को जंग लग गया है तो उससे कॉज होता है ये तो इसका मतलब डी तो मेरा आंसर कहीं नहीं हो सकता था तो डी को आप एलिमिनेट कर सकते थे डी को आप यहां से आराम से एलिमिनेट कर सकते हो बच क्या रहा है यहां से बच रहा है यहां से शिगेला है सालमोनेला है सुडोमोनासिनिया है, है मुझे बताओ सुडोमोनास क्या कॉज करता है सुडोमोनास क्या कॉज करता है तो जहां तक मेरी नॉलेज है जहां तक मेरी नॉलेज है सुडोमोनास जो, जो है वो कॉज करता है स्किन इंफेक्शन सुडोमोनास जो है वो कॉज करता है स्किन इन्फेक्शन जैसी चीजें फूड से तो नहीं आता है आपका सालमोनेला है शिगेला है जर्सिनिया है ये जो रहते हैं बच्चों ये फूड बॉर्न बैक्टीरिया होते हैं ठीक है तो साल तो डेफिनेटली होना चाहिए हमारे ऑप्शन में और सुडोमोनास जो है मेनली इट कॉजेज एक्चुअली द स्किन इन्फेक्शन तो इसलिए हम लोग बच्चों सी को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं सो so, ऑप्शन हमारा फोर्थ दिया गया था और वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट सवाल है द रेडिएशन सोर्स इन टेम दैट मींस द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कौन सा होता है ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा है लाइफ साइंस में क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप करवाना देखो चैलेंजेबल क्वेश्चन तो लाइफ साइंस में है वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी ड्रॉप क्वेश्चंस बताइए कौन सा आपको लगता है तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम है, समझ में में समझ आ रहा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो क्या आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आएगा डू यू ऑल अग्री इलेक्ट्रॉन बीम ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे सही आंसर होगा आई बात समझ में ऑप्शन नंबर टू हमारा सही आंसर होगा बताओ एक बार सारे ठीक है सो इलेक्ट्रॉन बीम जो है हमारा वो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सो ऑप्शन नंबर टू ही आपको गिवन था एंड दैट इज द करेक्ट आंसर अभी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म है और उनको हम लोग कहाँ से आइसोलेट करते हैं तो एक हमको पता होता है यहाँ से ठीक है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ये हम लोग बहुत बार सुनते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑर्गेनिज्म से मिलता है हमको तो इसपे से मुझे ये हिंट मिल गया था कि आपका जो स्टेप्टोमाइसिन है ये हमको ग्रीसियस से मिलता है ठीक है स्टेप्टोमाइसिन का जो एंटीबायोटिक का जो हिस्ट्री है काफी इंटरेस्टिंग है ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है सेशन के अंदर में तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया तो सी का थ्री जो है दिस वॉज माई बिगेस्ट हिंट क्योंकि मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन डेफिनेटली पता है उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ बैसिट्रासिन की तो आपको जो बैसिट्रासिन है इसको बैसिलस से लिया गया है ठीक है बैसिट्रासन जो है बैसिलस से हमको मिला है तो भाई आपका सी का जो है वो वन आना चाहिए सॉरी बी का वन आना चाहिए हमारा तो माई ऑप्शन नंबर थ्री इज दी करेक्ट आंसर अगर आपको यहां से सारे ऑप्शंस नहीं भी पता थे इफ दे आर नॉट फेमिलियर टू यू कोई दिक्कत नहीं है जो आपको अच्छे से पता है आप उनको यहाँ से मार्क कर सकते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं टूअर्थ तो द नेक्स्ट क्वेश्चन अब बच्चों ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम दी प्लांट हार्मोन ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम दी प्लांट हार्मोन और हम बुलाते हैं हमारे प्लांट के एक्सपर्ट को योगेश सर को सर इथिलीन आया है एक बार बता दीजिए हमें हेलो एवरीवन चलो बच्चों तो क्या आंसर किया इसका आंसर क्या क्या बच्चों बताओ तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं पहला स्टेटमेंट आपका फाइटो फाइटोहार्मोन इथाइलिन सेनेसेंस एंड एप्सेशन ऑफ और प्लांट ऑर्गन सो तो प्लांट ऑर्गन के में से कौन सा प्लांट ऑर्गन का का बेसिकली आपके लीव्स जो होता है वो अपने करता है तो वन है सो स्टेटमेंट जो वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड है आपका द मोस्टली मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफोन सो इथेफोन एक कंपाउंड है जो बेसिकली एग्रीकल्चर में और हर जगह सबसे ज्यादा मैक्सिममली यूज होता है

ठीक uh, yes, है। इसमें पूछा गया है, आपका एक्सप्लेनेशन का नहीं पूछा गया है, है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाकी देखो जो फाइटोहार्मोन है ये जब सेनेसेंस करता है ये senescence करता है लीव्स का और प्लांट ऑर्बन का यस ए इज करेक्ट तो यस पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर मिल जाएगा इसका पीडीएफ तो ये स करता है इस वजह से क्या है इथेफोन यूज होता है इन एग्रीकल्चर ताकि हम क्या कर सके कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको क्या कर सके रिमूव कर सके तो उस वजह से इथेफोन वहां पर रिलीज कर दिया जाता है यू विल गेट द पीडीएफ इन आईएफएस ऐप ओके सो आपका आंसर जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहां पर स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है ओके आई होप आपने यही किया होगा आंसर चलो ओके okay. चलिए नेक्स्ट so, क्वेश्चन yes. आपको पूछा गया है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है देखो मैंने बताया था transcription बहुत इंपॉर्टेंट है हम बोलते हैं है, central dogma of life है. DNA से से कैसे कैसे बनेगा RNA से proteins कैसे बनेगा इस पे आपको definitely questions पूछे जाते हैं ठीक है तो क्या बोला गया है इफ द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ अ सेगमेंट जीन हैज द अ सीक्वेंस ठीक है आपको दिया गया था एक सीक्वेंस क्या दिया गया था क्रीड़ाशय जी सी टी ए A, G, C, and then they have said five dash. ये आपको टेम्पलेट दिया गया था दिस वॉज ए टेम्पलेट विच देव गिवन एस अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों की हम टेम्पलेट को ही क्या बोलते हैं टेम्पलेट को आप लोग एंटी सेंस स्ट्रांड बुलाते हो कि सेंस स्ट्रांड बुलाते हो बताओ दो एक बार मुझे हमारा जो टेम्पलेट रहता है इस टेम्पलेट को हम लोग सेंस स्ट्रांड बुलाते हैं या एंटी सेंस स्ट्रांड बुलाते हैं यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को

इसको हम बोलते हैं एंटीसेंस तो अगर मैं बनाऊंगी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो क्या आ जाएगा जी के सामने आ जाएगा सी देन जी फिर ए टी टी सी और जी अब हम क्या बोलते हैं आपका जो सिंथेसिस होता है वो पैरेलल होता है हमारा जो होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए दैट इज एंटी पैरेलल तो भाई यहां पे क्या आ जाएगा दिस विल बी फाइव डैश एंड एंड दिस विल बी थ्री डैश एंड डू यू ऑल अग्री यस मोंटी यस मानसी परफेक्ट यस ममता ठीक है तो कहां मिल रहा है सो ऑप्शन कहा मिल रहा है सो ऑप्शन इसके ऑप्शन में ओ सॉरी ये आपका आर एन ए है ना तो दिस विल बी सी जी ए मेरे से गड़बड़ हो गई सिंस दिस इज आर एन ए तो टी टी नहीं आएगा यू एंड यू आएगा ठीक है तो ये नहीं आएगा ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर मैंने एक्सैक्टली एंटी सेंस लिख दिया था क्योंकि आर की बात की जा रही है ना डिया ठीक है ममता आपने जो मिस्टेक की मैंने भी वही हमारा नाम सेम बताती है गलती भी सेम कर दी है <laughs> कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पूछा गया है आपको आर का स्ट्रेच है ना पूछा गया है कि आपको आर का ट्रांसक्रिप्ट पूछा गया है बच्चों तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर टू रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ये नहीं है क्यों नहीं बिकॉज टी टी ने यहाँ पे यू एंड यू आना चाहिए ठीक है, है, okay, ओके चलो परफेक्ट, परफेक्ट yes, सवाल अगला पूछा गया आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स फ्रॉम द हिमेटोपोल्टिक स्टेम सेल्स इन बोन मारो। हमको पता है हमारे पास में होते हैं कुछ हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स उन स्टेम सेल्स से फिर बनते हैं आपके लिम्फर्ड प्रोजोनाइटर और माइलॉइड प्रोजोनाइटर दोनों ही प्रोजोनाइटस सेल से बन सकते हैं डेंड्राइटिक सेल ये इकलौता ऐसा इम्यून सेल होता है विच इज फॉर्म फ्रॉम बोथ दी लीनियज तो आपको पूछा गया है कि क्या सीक्वेंस होता है आपको पूछा गया है कि क्या सीक्वेंस होता है इनके सिंथेसिस का अगर हम बात करें तो पहला क्या रहेगा आपका पहले बताओ आपके हिसाब से सा आंसर क्या होगा आपके हिसाब से सा आंसर क्या होगा बताओ मुझे ठीक है थ्री बता रहे हो आप लोग ओके तो सबसे पहले क्या हो जाएगा सबसे पहले थ्री कैसे बता रहे हो सबसे पहले हिमाटोपोटिक स्टेम सेल्स रहेंगे ना हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि पहले है हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स उससे आते हैं फिर आपके लिंफर्ट प्रोजोनाइटर सेल और बनते हैं माइलेट प्रोजोनाइटर सेल इतना तो आपको पता है पहले आता है हिमाटोपोटिक स्टेम सेल्स उसके बाद में दो ली लिए जाते हैं तो भाई ये तो मेरा होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड होना चाहिए आपका फिर ये वाला मतलब कि सी के बाद में ए आना चाहिए तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं टू को मार्क कर दूंगी बाकी क्या है मैं चेक करूंगी डोंट वरी बट हमारा टू बिकॉज पहले दो स्टेप तो उसके हिसाब से देखा जाए तो टू आपका सही है थ्री नहीं है थ्री के हिसाब से क्या बोल रहे हो आप लोग आप मुझे ये बोल रहे हो कि पहले आता है आपका Myloid, फिर आता है मोनोब्लास्ट फिर hemato, कैसे पॉसिबल है माइलॉइड प्रोजोनाइटर से कभी भी रिवर्स में तो नहीं जाएगा डिफ्रेंशिएटेड सेल है वो उसे वापस से आपका स्टेम सेल नहीं बन सकेगा ठीक है so, सो सी ए आएगा उसके बाद में आपके मोनोब्लास्ट बनेंगे मोनोसाइट में मेच्योर होंगे देन वी विल फॉर्म द सेल्स इज इज दिस दिस क्लियर क्लियर टू यही आपका आंसर गिवन था निया? सही है इसमें कोई गलती नहीं है क्या ये आपको क्लियर है कोई दिक्कत नहीं बच्चे <coughs> चलिए नेक्स्ट <laughs> बोला गया है विच मॉलिक्यूल एटीपी टीपी डज नॉट डोनेट ठीक है अरे बाबा इट्स ओके इट्स ओके आपको समझा समझना जरूरी है सही गलत कोई दिक्कत नहीं है गलतियां जितनी करनी है मेरे सेशन में करो आई ऑलवेज दिस टू माई स्टूडेंट जितनी गलतियां करनी है मेरे क्लास में करो ताकि ये गलतियां आप एग्जाम में ना रिपीट करो ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्या बोला गया है मॉलिक्यूल एटीपी ड नॉट डोनेट अगर हम बात करते हैं एटीपी तो एटीपी का मतलब क्या होता है एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट एटीपी का मतलब होता है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो एटीपी में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं ट्राई फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट यही बोलेंगे हम इसे ठीक है तो क्या है एटीपी क्या, क्या क्या नहीं दे पाएगा आप देख सकते हो ये दिया है डी ग्रुप ये कहा रहता है भाई ये तो डीएनए के स्ट्रेस में रहता है ना ग्रुप जो है इट डी ऑक्सी राइबोजिले शुगर रहता है ये डीएनए के में होता है ना कि एटीपी के स्ट्रक्चर में रहता है डी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रेस नॉट इन द एटीपी स्ट्रक्चर सो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर है दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डोनेटेड बाई दी ए टीपी आपका ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप ये सारा दे सकता है, बट इट का पार्ट है ना कि हमारे बेस का पार्ट है, ठीक है अगला सवाल सो टू इज द करेक्ट आंसर एंड यही किया था, पूछा गया है आपको डिफरेंसेस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय ठीक है आपको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइफ तो क्या लगता है नाम से ही ठीक है सर्कुलरली को सर्च करना है आपको डिफरेंसेस पता करने लेफ्ट है या फिर राइट हैंडेड है तो फॉर दैट वी विल यूज दिस सर्कुलर डाइक्रोइम ठीक है तो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोप यहां पर हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्टडी ठीक है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड विद बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ

ये होते हैं फॉस्पो एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉस्पो एनहाइड्राइड बॉन्ड रहते हैं जो हाईली एनर्जी उनके पास में प्रेजेंट रहती है ये आपका अल्फा फॉस्फेट है बीटा फॉस्फेट है और गामा फॉस्फेट है यूजुअली क्या होता है यूजुअली ये होता है दैट एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक

उतनी एनर्जी रिलीज होती है बट केस में जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है दैट इज बिटवीन द अल्फा फॉस्पिट एंड बीटा तो जो आपका जो बॉन्ड का जो एनर्जी रहता है दैट एनर्जी इज एक्चुअली फॉस्फो ठीक है क्लियर है ये बात क्लियर है सभी को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एनी वर्ड आपको समझ नहीं आ तो प्लीज आस्क डेफिनेटली आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स फॉलोइंग बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है बॉडी क्या करती है तो बॉडी यूज करना स्टार्ट करती है आपके ग्लूकोज को जितना भी रहेगा ग्लूकोज खत्म होगा तो बॉडी स्टार्ट करती है यूज करना ग्लाइकोजन को ठीक है किसमें ग्लाइक्रोजन यूज किया जाएगा उसको ब्रेक करते हैं ग्लूकोज रिलीज होता है दैट इज यूज जब ग्लाइकोजन भी आपका डिप्लीट होते हुए आएगा उस टाइम पे फिर बॉडी क्या करती है सारे फैट को यूज करना स्टार्ट करती है तो पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो लिंक्ड है विद दी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ठीक है पहला स्टेप क्या बोला है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स दूसरा बोला गया है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स इन साइटोप्लाज्म कैन यू टेल मी कि फैटी एसिड को ब्रेक कहां पे किया जाता है क्या ये साइटोप्लाज्म में होता है या नहीं मुझे बताओ क्या ये जो स्टेप लिखा गया है सेकेंड वाला वो सही भी है ये वर्ड बीटा ऑक्सीजन फैटी एसिड्स का साइटोप्लाज्म में होता है या नहीं होता है बीटा ऑक्सीजन एसिड्स क्या साइटोप्लाज्म में होता है यस और नो बीटा ऑक्सीजन फैटी एसिड्स क्या साइटोप्लाज्म में होता है यू <laughs> थिंक फिर क्या बोला गया बीटा ऑक्सीडेशन क्रेप साइकिल भाई नहीं क्रेप साइकिल तो क्या होता है क्रेप साइकिल साइकिल जहां पे ऑक्सालो एसिटेट जो है दिस ओ ए ए प्लस ऐड होता है इसमें एसिटिल को ए ठीक है इन दोनों को हम लोग फ्यूज करते हैं और इन दोनों को यूज इन दोनों को फ्यूज करके फिर आपका क्रेप साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है तो मेरे हिसाब से आपका जो आंसर है

ठीक है सो ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज ऑप्शन नंबर दैट इज ए सी एंड ई दे आर करेक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब इधर बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था टाइम है आप आराम से पढ़ सकते हो और सॉल्व कर सकते थे या फिर आपको दिक्कत हो सकती है वॉन्टी ई e में कोई प्रॉब्लम है डी आपको ई e में क्या बोला गया है यस ट्रू बीटा ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइट्रोकॉन्डियल मेट्रिक सही बात है आपका अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है ये उसका इनर मेम्ब्रेन रहेगा फोल्डिंग्स वाला पार्ट अलग है और जो मेट्रिक रहता है ये आपको उन्हें बताया कि जब शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं लेस देन सिक्सटीन कार्बन लेस देन एटीन कार्बन तो उसको माइट्रोकोन्डिया में ब्रेक करवा सकते हो बट अगर उससे बड़े चेन्स रहते हैं दैट केस सेंड टू द फोरोक्सोम ठीक है सो ऑप्शन नंबर ई आपका सही स्टेटमेंट है ओके डियर इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अगेन चलिए इसमें क्या बोला गया है ग्लूकोज तो होता है होमियोस्टा अगर हम बात करते हैं अबाउट होमियोस्टा ये हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी में इंटरनली चीजों को रेगुलेट करवाया जाता है ठीक है ग्लूकोज अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो मैकेनिज्म से कम करवाया जाएगा अगर लेवल कम है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो एफ एन पार्टिकल है वो यहां प्रेजेंट रहता है मैट्रिक्स मेमोरी यस चांसेस तो है आपके कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी हमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा बट यू हैव गुड स्कोर जो ग्लूकोज का जो लेवल है कम ज्यादा होता है रेगुलेटेड बाय इंसुल एंड ग्लूकोगन बिल्कुल सही बात है बच्चों अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहता है उस केस में इंसुलिन रिलीज होता है अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम रहता है उस केस में रिलीज़ होता है। तो ये दो तो हमारे बिल्कुल नॉलेज है बिल्कुल सही बात है अब रीजन क्या बोला गया है देखो वेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस अब द नॉर्मल रेंज जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है अबव रेंज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इन टू दॉडी सेल्सिंग द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सही बात है, Because क्या होता है? जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है उस टाइम पे बॉडी में रिलीज होता है और एग्जीक्यूट होता है वहां पे अरेन्ज किया जाता है किसको ग्लूट फोर को दैट इज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स फोर ये होते हैं हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स तो क्या हो जाएगा जब ग्लूकोज का लेवल हाई है ब्लड में उसको कम करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि ग्लूकोज को बॉडी के अंदर में इंटेक कर लिया जाए राइट तो वो काम कौन परफॉर्म कर रहा है वो इंसुलिन की वजह से ग्लूट रिक्रूट हो रहे हैं और फिर ग्लूकोज को अंदर कर लिया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमारा कम हो जाएगा उसके बाद में वेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप बिलो द नॉर्मल अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है तो क्या करना चाहिए अभी तो बॉडी ने क्या करना चाहिए ग्लाइकोजन को ब्रेक करना चाहिए उसमें से ग्लूकोज रिलीज करना चाहिए ताकि बॉडी में जो लेवल हमारा कम दिख रहा है जो ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग वापस से इंक्रीज कर सके तो सही बात बोली गई कि सिक्रीशन ऑफ ग्लोकॉन प्रमोट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन टू द ब्लड फ्रॉम एनर्जी स्टोर एज लिवर ग्लाइकोजन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉन्सेंट्रेशन तो ये आपका बिल्कुल सही बात है फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है उसका ये करेक्ट रीजन है ठीक है में क्या बोला गया है एक दूसरे के एंट्रकोश में काम करते हैं इंसुलेंट ग्लूकाकोन एंड कैसे काम करते हैं दे हैव मेंशन इन द रीजन तो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से मुझे एक आंसर मिल चुका है दैट इज वन ठीक है सो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है सीपीएल इज योर नेम राजू आप वही स्टूडेंट हो ना आ, करिश्मा डी यू का कट ऑफ थोड़ा हाई मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं देखते हैं बाकी बच्चों के ऊपर भी है एडमिशन कितनी हो रही क्या हो रही है वहां पे बट मेरे हिसाब से ड्यू का थोड़ा हाई जा सकता है कट ऑफ बट बाकी मिल सकता है बायो के, के लिए ठीक है चलिए सो ऑप्शन हियर करेक्ट आंसर दैट बोथ आर करेक्ट बोथ हियर आर करेक्ट एंड हमारा जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट ओके डियर ठीक है चलिए तो आगे बात समझ में आप देख रहे हो क्वेश्चंस कितने आपके रिपीट हुए हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स ऑफ माइट्रोकॉन्ट्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, है. Question, from, क्या होता है ठीक है क्या होता है इस केस में तो क्या बोला क्या है कि आपका जो ये ऑर्गेनल है ना माइटोकॉन्ड्रिया है क्लोरोप्लास्टम क्या बोलते हैं उनके पास में सेल्फ जीनोम रहता है दीज दे आर बेसिकली बोला जाता है इनके पास में खुद का जीनोम रहता है दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कुछ जीन्स उनको खुद से मिल जाती है कुछ जीन्स के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं ऑन द मेन न्यूक्लियर डी है तो क्या बोला गया है आपको पूछा गया है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम जो है वो कहां से इवॉल्व हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं हमारे पास में ऑर्गेनल किस बैक्टीरिया को एनगल्फ करके मिला है, मिला है? बता सकते तो बता दो जल्दी से एंडोसिम्बायोसिस बिल्कुल सही बात है क्या हुआ था अकॉर्डिंग टू द एंड सम ऑर्गेनिजम्स उनको एनगल्फ किया गया था और फिर जो बैक्टीरिया का जो भी जीनोम रहा होगा वो आपके उन ऑर्गेनल के जीनोम में प्रेजेंट है सो so, हमारा बिल्कुल फोर्थ जो है वो सही आंसर है दैट इज ट्रू कैन यू नेम द ऑर्गेनिजम्स क्या कोई मुझे नाम बता सकता है ऑर्गेनिजम्स के क्लोरोप्लास्ट किसको एंगल फर के मिला है और माइट्रोकॉन्डिया किसको एंगल फर के मिला है बच्चों हम्म तो अगर हम बात करते हैं माइट्रोकॉन्डिया की तो ऑर्गेनिज्म का कुछ नाम है ऐसा रिकेट्सिया प्रोविजा की एंड क्टेरिया ठीक है तो इनको एनगल्फ करके हम लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर में मिले हैं ठीक है नैनो क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम असर्शन एंड रीजन देखो बच्चों इस बार के पेपर में काफी सारे क्वेश्चन आए थे आपके फ्रॉम असर्शन एंड रीजन तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करो प्रॉपरली बिकॉज इनका लेंथ काफी बड़ा होता है ट्रू yes, इनका लेंथ काफी बड़ा होता है अगर आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में

और ये जो है इनका कभी भी ट्रांसक्रिप्शन फिर नहीं हो पाएगा सेकेंड क्या बोला गया है, मतलब क्या होता है? जो कभी हेट्रो फॉर्म में जाते हैं कभी यूक्रोम के फॉर्म में जाते हैं ठीक है थीके? तो एक है आपके परमानेंट हेट्रोक्रोमाटिन और एक है हमारे फेकल्टेटिव हेट्रोक्रोमार्टिन पूछा गया है आपको कि वी हैव टू टेल विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अभी मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है पर कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पहला स्टेटमेंट जो इट इज कंप्लीटली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली अबाउट देट्रोक्रोमाटिन तो यहां पे कोई स्टेटमेंट सही गलत नहीं है सॉरी यहां पे कोई स्टेटमेंट किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बट बोथ द दर आर करेक्ट सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दैट ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर ए So, two, हमारा बिल्कुल सही है सो सीक्वेंस एसेंशियल फॉर सेंट्रोमियर फंक्शन ठीक है आपको पूछिएगा कि सेंट्रोमियर के फंक्शन में कौन सी सीक्वेंस हम लोगों को जरूरी होती है तो वहां पे आपका एटी रिचीजन होना चाहिए अबाउट वन थर्टी बेस्ट पेयर लॉन्ग्स ऑप्शन नंबर थ्री दिया था यहाँ पे एंड ये हमारा बिल्कुल सही है दिस एंड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इन केस ऑफ एरोबिक एंड एन एरोबिक कंडीशन तो हमेशा क्या होता है हमेशा ये होता है कि ग्लूकोज से चलता है ग्लाइकोलिस पाथवे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं एंड में बनता है हमारा पायरुवेट ठीक है एंड में बनता है हमारा पायरुवेट उसके बाद में अगर आपका कंडीशन जो है वो एनरोबिक रहेगा तो क्या हो जाएगा इन केस ऑफ एनरोबिक कंडीशन दिस इज फर्दर कन्वर्टेड टू लैक्टेट और अगर एरोबिक रहेगा तो यहां से क्या बनता है तो यहां से बन जाएगा फिर हमारा एसिटिल को ए ठीक है तो दिस इज फॉर श्योर कंफर्म कि अगर एनोरबिक कंडीशन है तो लैक्टेट बनेगा और एरोबिक है तो आपका पायरुबेट फॉर्म होगा ठीक है तो ढूंढ ला ऐसा ऑप्शन रिस्पेक्टिवली पूछा गया है तो ध्यान रखो पहले आपको एनरबिक का प्रोडक्ट देखना है फिर आपको एरोबिक का प्रोडक्ट ढूंढना है मतलब कि पहला मान आना चाहिए था लैक्टेट और सेकेंड आएगा, आएगा आपका पायरुबेट ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री लैक्टेट एंड पायुबेट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है ठीक है सो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर अगला सवाल राइट द डिफरेंट स्टेप्स फॉर वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ अनट्रीटेड वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर फॉर ह्यूमन यूज इन सीक्वेंस नाउ दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था और यहां से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि मैम यहां से शुरुआत करेंगे तो अगर आप इसको देखोगे बच्चों तो ध्यान से अगर आप इसको देखो तो आपको क्या तो दिख रहा है सबसे पहले प्रेसिपिटेट रिमूव करोगे यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे तो आपका जो भी कलर रहेगा ब्राउन कलर का पानी रहेगा उसको आप क्या करोगे रिमूव कर लोगे ठीक है और मेरे डिस इनफेक्शन वाला पॉइंट है आपको लास्ट में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी जो हमारे डिस इनफेक्शन वाला पॉइंट है आपका लास्ट में चाहिए। तो मैंने तो इसको फिफ्थ मान लिया था और मैंने सॉल्व करते तो फर्स्ट मान लिया था ठीक है

कर सकते हो सो ऑप्शन नंबर जो थ्री था दिस द मोस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था अग्रीड एग्जाम में अगर आपने स्किप किया है तो इट्स कंप्लीटली फाइन ठीक है तो मेरे हिसाब से को एक दो क्वेश्चंस मिल चुके हैं अब तक जो आप मुझे लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट नहीं है पर मैं ये बोलूंगी कि आपको कंफ्यूज कर सकता था यह क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे कोई कंफ्यूजन नहीं था वो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे कुछ आपके कंफ्यूजिंग थे यू कुड स्किप दिस क्वेश्चन ये मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि आपने स्किप किया होगा ठीक है अगला सवाल फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीमाइक्रोबियल टू वन वन इज द गुड स्कोर यूनिवर्सिटी कौन से मिल सकती है देखते हैं आपका सब्जेक्ट कौन सा है आप मुझे बताना और थोड़े दिनों में हमारे सामने सारे रिजल्ट आ जाएंगे आप लोगों का आप लोगों ने चैलेंज क्वेश्चन कल तक भेज दिया था आप लोगों की बहुत जल्दी हमको डिस्प्ले हो जाएंगे की आ, क्या क्या आपके यूनिवर्सिटीज रिलीज कर रही है मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन है तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा बट दुड स्कोर 50 के ऊपर है आपके मार्क्स तो चांसेस है अच्छे अच्छे कॉलेज के के ठीक है यूनिवर्सिटी तो अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को ठीक है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग आपके एंटीबायोटिक्स फॉर्म होते हैं बेसिकली वॉट अब इम्यूनोग्लोबुलिन ये हमारी बॉडी का एक प्रोटीन रहता है जो किल करने में हेल्प करता है So, three, जो रहेगा बिल्कुल, सही आंसर है, तो से बनाया जाता है लैब के अंदर में सेमी सिंथेटिक हो सकता है और वो यूज किया जाता है टू किल एनी बैक्टीरिया सो थ्री इज नॉट एन एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइडियर ठीक है अगला सवाल अभी इस क्वेश्चन को लेके भी बहुत लोगों ने मेरे से आर्ग्यू किया था कि मैम नहीं ये होगा ये होगा ये होगा जानते हैं ये क्वेश्चन पहले मुझे बताओ आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए एक बार सारे सेशन को लाइक भी करते चलो बहुत कम बच्चों ने सेशन को लाइक किया है मेरा ध्यान नहीं है वहां पर बिल्कुल ठीक है क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है दिस इज अ क्वेश्चन फॉर असर्शन एंड रीजन पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पीसीआर टेक्निक पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि पीसीआर एक हमारा ऐसा टेक्निक है, है? तो है जिसको हम यूज करते हो टू एम्पलीफाई लार्ज स्पेसिफिक डीएनए सही बात है पहला स्टेटमेंट डू यू ऑल लग कि हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्या आप सब ये बात को मानते हो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हम्म, hmm? so, पहला तो बिल्कुल सही है Assertion जो है है। है? है, वो बिल्कुल सही है. Reason क्या बोला ठीक तो मुझे बताओ बच्चों कि क्या यहाँ पे रीनेचुरेशन होता है क्या यहाँ पे रीनेचुरेशन होता है तो देखा जाए तो पीसीआर में ना बहुत बार ये वर्ड थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो पहले बोलते हैं कि there is denaturation. Second step होता है है आपका annealing. And third step is synthesis. तो हमारा जो ना वाला वर्ड, ये PCR में नहीं बोलते हैं, पर कुछ बुक्स में वी कैन सी दैट अनिलिंग को ही रिनाचुरेशन बोला जाता है इन सम बुक्स इन डेटा ये दो वर्ड्स को सेम मानते कहीं कहीं पे बोलते हैं कि नो देर इज नो ओनली अनिलिंग स्टेप तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हमारा ए सही है और आर फॉल्स है जो ऑप्शन नंबर थ्री में है और यही आंसर आपके आंसर की में दिया हुआ है यही आंसर आंसर की में दिया हुआ है अगर इसलिए मेरे बच्चों को आता है कि उसको चैलेंज करने का मतलब नहीं है बिकॉज दे विल से हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक्सटेंशन होगा सिंथेसिस होगा वो हम मान सकते हैं मोंटी बट रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है उसका मतलब ये होता है बच्चों की अगर आपका डबल स्टैंड है उसको अगर वापस से पास लेके आते हो उसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन होना ठीक है दैट इज रीनेचुरेशन बट अनिलिंग का मतलब क्या होता है तो आपको जब प्राइमर जाके अलाइन होता है ना कि आपके पास में जो है डबल स्ट्रैंड है उसके बाद में ये सेपरेट हुए और उसको एक प्राइमर जाके अटैच हुआ तो दैट इज द अनिलिंग स्टेप तो इसलिए यहां पे अनिलिंग वर्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा सही है आष हाँ 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 अर्निंग विद शुभम डेफिनेटली प्राइवेट में तो मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा ठीक है प्राइवेट में मिल जाएगा ओके okay. सो so, इसलिए यहाँ पे आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको गलत बोल सकते हैं हम ठीक है अगर आप अगर किसी को इसको, इसको चैलेंज करना था मैंने बच्चों को ऑप्शन दिया था आपको चैलेंज करने की इच्छा है तो कर सकते हो बट मेरे हिसाब से वो सही स्टेटमेंट बिकॉज वी डोंट यूजअली यूज दिस वर्ड वी यूज द वर्ड अनिलिंग ठीक है चलिए सो वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स है अभी क्वेश्चन आपके RDT से है, है पूछा गया आपको आपको कि दे गिवन सब और आपको उसके functions के साथ में उसको मैच करना था ये टेबल्स एक्चुअली आमने सामने दिया था बट हम लोग ने इस तरीके से उसको लिखा हुआ है अब मुझे यहाँ से एक चीज पता है कि आर एन एच जो रहता है आर एन एच क्या करता है तो आर एन एच का काम होता है कि वो आपके जो डीएनए आरएनए का हाइब्रिड रहता है वहां से आरएनए को रिमूव करे तो बी का फोर आना चाहिए मेरे हिसाब से बी का फोर आना चाहिए बिल्कुल सही है ठीक है तो देन अगर मैं बात करती हूं टर्मिनल ट्रांसफर एज की तो ये क्या करेगा इसका काम होता है ट्रांसफर कराना यस लर्नर ट्रू 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 ठीक है अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है टर्मिनल ट्रांसफर मतलब कि लास्ट में कुछ तो भी चीज को आप लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका मतलब दैट दे एड न्यूक्स टू दीड एंड सॉरी चाहिए yes. so, प्राइवेट में डेफिनेटली मिल जाएगा प्राइवेट में डेफिनेटली मिल जाएगा ओके इसमें थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप सीयूटी के स्कोर से जाते प्राइवेट में तो आपको आपकी एमएससी की मार्क्सिट दिखानी पड़ेगी Well okay? चलो अब देखो DNA's one जो है 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 वो क्या क्या कर रहा है? और करता दोनों भी न्यूक्लियस तरीके से बहुत सर ओनली दोनों भी कट लगाते हैं पहला पॉइंट क्या बोल रहा है डिग्रेड्स द डीएनए और थर्ड क्या बोल रहा है कि सिर्फ निक करता है ठीक है दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है बट अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करते हैं डीएनएज वन की तो डीएनएस वन क्या करता है वो सिर्फ निक लगाएगा डीएनएज है है ना डीएनएज क्या करेगा डीएनए के ऊपर में एक निक लगाएगा और जो तो न्यूक्लियस रहता है वो डिग्रेड का, का काम कर सकता है जो आपका एस न्यूक्लियस रहता है ना वो कंप्लीट डिग्रेडेशन करवा सकता है हमारे डीएनए का सो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर है Uh, शुभन आपका नाम आई एम नॉट श्योर अर्निंग विद शुभन देखो अगर आप सीयू के स्कोर कार्ड के बेसिस पे सेंट्रल में अप्लाई करते हो तो मुझे मुश्किल लग रहा है विद दैट स्कोर बट डेफिनेटली आपको प्राइवेट में तो मिल सकता है आपका प्राइवेट में आपको और uh, आपके बीएससी के मार्क्स के बेसिस पे भी आपका एडमिशन मिल सकता है एंड अकॉर्डिंग टू गो टू दीयू टी मार्कशीट तो थोड़ा मुश्किल है उस स्कोर से ठीक है इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो आप रिपीट कर सकते हो एक साल या फिर आप प्राइवेट कॉलेज एडमिशन लेके भी आपका कंटिन्यू uh, कर सकते हो मास्टर्स। सो ऑप्शन नंबर हमारे पे बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? नाउ दिस क्वेश्चन फ्रॉम ठीक है? तो क्या है किस तरीके से है कुछ इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो भाई इसको तो योगेश अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या क्या चीजें हो रही है so, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दी बायोजियो केमिकल साइक्लिंग बायोजियो केमिकल साइक्लिंग के अंदर कौन से ऑप्शन है यहाँ पर जा? फिर आप देखें तो जितने स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट दिये तो इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है आपके सो so, एक एक स्टेटमेंट हम देखें द साइकिलिंग बिटवीन इनऑर्गेनिक सीओ टू एंड ऑर्गेनिक कार्बन अकर्स एरोबिकली एंड एन बाय बाई माइक्रोब्स सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जब भी साइक्लिंग होती है तो वहां पर आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में एरोबिक और एनएरोबिक तरीके से इनकी साइकिलिंग की जाती है और बाकी हम ऑप्शन भी देखें तो चारों ही ऑप्शन के अंदर स्टेटमेंट एक करेक्ट दिया हुआ है तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं देखना है एट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है सेकेंड है बाइजियो केमिकल साइकिल इज नॉट एनर्जाइज बाय सोलर एनर्जी तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है तो ऐसा नहीं है, तो एनर्जी है सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है हमारे नाइट्रोजन साइकिल सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है इवन सल्फर भी डिपेंड करती है सो इट इज डिपेंडेंट तो ये स्टेटमेंट आपका जो सेशन बी स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट थर्ड है जहां पर ये बोल रहा है कि फॉस्फोरस इज साइक इन इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट इन इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट विच इज फॉस्फेट एंड इज नो फॉर्म फॉर्म जो है ये स्टेटमेंट थोड़ा सा दर्शियल हो सकता है क्योंकि फॉस्फेट साइक्लिंग के अंदर मेजर तो ये फॉस्फेट की फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है और गैसियस फॉर्म के अंदर इसका मेजर जो मेजर पोर्शन है 99.99% .99 है वो इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता ठीक है तो हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट मान सकते हैं और ये करेक्ट स्टेटमेंट है वैसे जबकि एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल फॉर्म है जो कि डस्ट की फॉर्म के अंदर रहता है तो वो पार्ट तो हम कह सकते हैं है, है, uh, है और ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है तो स्टेटमेंट सी जो है करेक्ट होगा डी बता रहा है कि मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न ड्यू टू इट्स लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल So, जो मीथेन गैस है आपका तो मीथेन गैस का जो हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ ग्रीन हाउस गैस यस इट इज अ ग्रीन हाउस गैस बट स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट ये सही नहीं होगा आधा स्टेटमेंट ये सही है एक बात कि यहाँ पर जो आ, मीथेन है वो ग्रीन हाउस गैस है बिल्कुल है और ये कंसर्न भी है बट इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है तो दैट इज वाई इट इज वेरी एट लो ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न तो इसका कंसर्न कम रहेगा बाकी यू uh, नो you know, इसका अमाउंट थोड़ा कम होता है तो, तो दैट इज वाई हमारे लिए कंसर्न में से कम आता है तो ये स्टेटमेंट आपका हाफ ऑफ द स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बाकी हम कंप्लीटली देखते हैं ई e है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल हैव साइकिलेंट ओनली ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ई स्टेटमेंट यहां पर बोल रहा है कि नाइट्रोजन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल का सिर्फ और सिर्फ गैसियस कंपोनेंट ही होता है तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपका गलत हो जाएगा सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग यहां पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट और थर्ड तो आंसर होगा आपका यही लगाया लगाया आपने? क्या आंसर इसका आपने आंसर विल बी ए एंड सी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें विच इज नॉट अ द ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन मल्टी सेल्युलर एनिमल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे पास में मल्टी सेलर फॉर्म के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नहीं पाया जाता ऑप्शन ए है आपका हाइलुरो हाइलुरोनिक एसिड है वैसे ये दिस इज हाइल्युरोनिक एसिड इट इज एसिड ऑप्शन है आपका वो है सल्फेट थर्ड ऑप्शन है आपका किरेटेन. और फोर्थ ऑप्शन है आपका तो यहां पर बोल रहा है ओके हिटेरो okay. हिटेरोपोलीइडे क्या होता है कि पोलिसेक्राइड मीन शुगर यूनिट्स होती है उसके साथ में कंबाइन होकर के बनता है एक हमारे पास में शुगर यूनिट है या फिर हम कहें तो सेकेरॉन यूनिट है वो सेकेरॉन यूनिट किसी दूसरे शुगर कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है

तो एक्स्ट्रा सेलो मैट्रिक्स में भी नहीं प्रेजेंट है सो so, इनमें से हमें एक ऑप्शन सीधा सीधा हमें दिख रहा है वो है किरेटिन सो so, किरेटिन क्या होता है वट इज किरेटिन so, किरेटिन इज बेसिकली इट इज अ प्रोटीन ठीक है किरेटिन हमारे पास में इट इज अ प्रोटीन ठीक है किरेटिन प्रोटीन जो कि अब प्रोटीन कैसे बनता है हमारे पास में जब अमीनो एसिड्स आगे जाके पॉलीमर बनाते हैं तब जाके बनता है एक प्रोटीन तो so, यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन जब कंबाइंड होगी तब वहां पर जाके जाकेरेटीन बनेगा प्रेजेंट होता है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन आवर स्किन तो ये डेड पार्ट डेड पार्ट का फॉर्मेशन uh, करता है हमारे बॉडी के अंदर सो so, ये आंसर आपका जो हो जाएगा यहां पर विट इज नॉट्रोपोलिट इट विलेटेन ओके समझ में आए योर आंसर विल बी थर्ड विच इज क्रेटेड सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या किया बच्चों इसका आंसर द कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स तो यहां पर बेसिकली uh, क्या बताया गया हमारे पास में कंपोजिशन बताया गया है कि कार्बन फर्स्ट कार्बन सी वन सी ट्वेंटी नाइन सी थर्टी नाइन सी सिक्स एंड सी सेवन ये हमारे पास में कंपोजिशन ये ऐसे रहेगा इसको इस फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हो नोट कर सकते हो टू हंड्रेड आउट ऑफ फोर हंड्रेड इन एमएससी लाइफ साइंसिस ओबीसीएल फॉर लाइफ साइंस इज पॉसिबल टू गेट जेएनयू और एनी अदर यूनिवर्सिटीज़. सी देखो लर्नर्स पॉइंट देखिए लर्नर्स पॉइंट ये फर्स्ट टाइम बी एच यू डी यू जे एन यू कंबाइन हुए हैं सीयू टी के अंदर सो so, इस साल हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यस टू हंड्रेड से ऊपर का स्कोर है जो की आपका अच्छा स्कोर है लेकिन आपको तक वेट करना होगा क्योंकि इट इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम हम एक्सपेक्टेशन हम स्पेकुलेशन नहीं लगा सकते क्योंकि लास्ट टाइम ये हमारे पास में यूनिवर्सिटीज नहीं थी सी के अंदर तो पहली बार आ रही है यूनिवर्सिटीज सो so इस बार जब काउंसलिंग होगा तो उसके अंदर वी विल गेट टू नो कि आ, कितने मार्क्स पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है सो so यहाँ पर जाएगा बच्चों सी फाइव बी सिक्स सी सेवन सी एट एंड सी नाइन ये आपका मेमरे अटैक कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन ओके लर्नर्स पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरिस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरिस के लिए इनकरेक्ट है फर्स्ट है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देअर नेट चार्जेस एंड मास द स्टेटमेंट हेयर इज डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स थ्रू अगेरोज जेल और पॉलिक्रेलमाइट जेल इन विच स्मॉल पार्टिकल्स मूव स्लोली टू रिजोल्व बेटर एंड ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज ऑन डीएनए मॉलिक्यूल हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड देन द माइग्रेशन ऑफ ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका द माइग्रेशन ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट थ्रू जेल इज क्विकली तो यहां से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है यस यू वेलकम चलो बच्चों इसका अंदर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको एक मिनट का टाइम मिलता है क्या आंसर किया आपने और पहले भी नहीं किया तो यू कैन प्रैक्टिस दिस फ्रॉम दिस क्वेश्चन सो so प्रोटीन फिर से बताता बता प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं to, uh, होता है इनका मॉलिक्यूल्स का अगैरोज जेलो के अंदर या फिर हम कहे तो पोलियल जेल के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स है जो मूव करते हैं स्लोली और लार्ज पार्टिकल्स है वो इस तरीके से यस एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज वेरी गुड वेरी गुड आंसर आ जाएगा सेकेंड अगर आप इस Uh, इनके ऑप्शन को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको बहुत ईजिली आंसर मिल जाएगा कि यहां पर आंसर जो आएगा वो सेकंड जाएगा यहां पर क्या गया इन विच स्मॉल पार्टिकल्स मूव स्लोली स्मॉल पार्टिकल्स आर मूविंग नॉट स्लोली ठीक है स्लोली मूव नहीं करते यहां पर तो ये आंसर डाला जाएगा आपका सेकेंड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चूज द करेक्ट फ्रॉम मैच लिस्ट वन एंड मैच लिस्ट टू बच्चों आपको ये क्लियरली विजिबल है आप देख पा रहे हो इस टेबल को लिस्ट न में दिया गया फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड लाइट माइक्रोस्कोपी और लिस्ट टू में दिया गया लाइट इज दोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन सेकेंड है स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये फील्ड लिखा है यहां पर फाइल्ड है इसको करेक्ट कर लेंगे स्पेलिंग फील्ड देन लाइट इज स्कैटर्ड एट बाउंड्रीज बिटवीन रीजन हैविंग डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेस इंडेक्सिस टिश्यू सेक्शन आर एग्जामिंड अंडर यूट नियर दिजिबल स्पेक्ट्रम एंड दर रिकॉगनाइजेबल बायोरोपेक्ट्रम सो आपको यहां पर मैच करना है करेक्ट आंसर डन है चलिए तो क्या है माइक्रोस्कोपी का स्टूडेंट माइक्रोस्कोपी में क्या बोला गया तो वो पूछा गया है कि कौन सा माइक्रोस्कोपी आप लोग कहाँ पे यूज करते हो है ना तो फ्लोरेसेंस जो है आपको दिख रहा है नाम से अगर आप देखोगे लाइन से सारे टेबल में ऑप्शन को तो हमको ये दिख रहा है बच्चों फ्लोरेसेंस ऑप्शन पे दिया गया है, है ना रिक्जेबल बाय द फ्लोरेसेंस दे एमिट इन विजिबल स्पेक्ट्रम फ्लोरेसेंस की क्या बात यहाँ की गई है मतलब कि जो फ्लोरसन माइक्रोस्कोपी है एक का आंसर फोर होना चाहिए हमारा तो एक फोर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है उसको मार्क कर लो फिर अगर आप देखोगे तो बचरा क्या है डार्क फील्ड है इलेक्ट्रॉन है और लाइट है तो एक में क्या बोला गया है इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड और एक में बोला गया है लाइट तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सी का हमारा क्या होना चाहिए टू होना चाहिए सी का हमारा क्या होना चाहिए टू बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज द इलेक्ट्रॉन बीम ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके लाइट माइक्रोस्कोप की तो यस yes, डी का तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे लाइट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ लुमिनेशन और अगर हम बात करते हैं डार्क फील्ड की तो डार्क फील्ड का मतलब क्या होता है इसमें आप लोग बैकग्राउंड को स्टेन करते हो है ना डार्क फील्ड केस यू स्टेन द बैकग्राउंड एंड उसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं सो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है सी एस आर का स्कोर कार्ड बहुत कब तक आएगा तो विशाल थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा सीएसआर को डेफिनेटली आ जाएगा री हैप्पी टू सी यू यर वेलकम टू द सेशन ओके सी एस आर का स्कोर कार्ड बहुत जल्दी आ जाएगा अभी तो फिलहाल आंसर की वगैरह आने की ऑफिशियली पहले आंसर की आएगी उसकी आप चैलेंज कर सकते हो उसके बाद में आंसर उसका आएगा ठीक है थोड़ा वेट कर लो आ जाएगा आ जाएगा नेक्स्ट आपको अगेन अभी सर का क्वेश्चन है ये टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोर के बारे में है तो हम सर से बात करते हैं कि बॉटनी में क्या इसका सही आंसर होगा सर विल एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे थैंक यू ओके okay. सो so ये क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर एजर्शन है फर्स्ट एजर्शन आपका दिया गया है कि uh, टेरिडोफाइट्स के अंदर जेनेरालाइक सिलेजिनेला साल्विनिया ये आपके हिट्रोस्पोरस होता है और हिट्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है हिट्रोस्पोर्स मीन्स एक जो बनाएगा वो बनाएगा आपका माइक्रोस्पोर और दूसरा जो बनाएगा वो आपका बनाएगा मेगास्पोर एक बनाएगा माइक्रोस्पोर और दूसरा बनाएगा मेगास्पोर

मेल गेमिटोफाइट मेल गेमीट बनाएगा फीमेल गमिटोफाइट फीमेल गेमीट बनाएगा दोनों फ्यूज करेंगे और उसके बाद में मेल प्लांट बॉडी बनेगी विच इज योर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफेटिक होती है सो so, टेरिडोफाइट्स के अंदर दो जेनेरा जिनके अंदर हिट्रोस्पोर्स बनते हैं दोनों एग्जाम्पल दिए और ये प्रॉपर तरीके से सही स्टेटमेंट है रीजन ये दे रहा है कि जो हिट्रोस्पोर ये टेरिडोफाइट्स में इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट तो सीड हैबिट का क्या मतलब हुआ जैसे कि uh, दो मेंबर्स हमारे पास में ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स है एक है जिम्नोस्पर्म दूसरा है एनजीओस्पम्स तो जिम्नोस्पॉम्स और एंजियोस्पॉम्स सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं उससे पहले के जितने भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स है वो सीड्स का फॉर्मेशन नहीं करते वहां पर टेरिडोफाइट्स में हमें एक चीज देखने को मिलती है हमें वहां पर सीड हैबिट देखने को मिलती है सीड के फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन प्रेजेंट होती है वो कंडीशन प्रेजेंट होती है और सीड एक हमारे पास देखें तो प्रिकर्सर्स जो होते हैं सीड के वो हमारे पास में प्रेजेंट होता है ठीक है तो हिट्रोस्पोरी उनमें से एक कंडीशन है जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ सीड

सीड हैबिट एंड द रीजन हेयर इज गिवन इज हिट्रोस्पोरी क्या है एक तरीके से प्रिकर्सर है का, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन क्योंकि यहां के सीड में नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट जिम्नोस्म के अंदर सीड का फॉर्मेशन हो गया था और नेकेड सीड बने थे फिर एनजियपॉर्म में और इवॉल्व हुए और वो सीड्स के साथ साथ फ्रूट का फॉर्मेशन भी हुआ था सो okay? so, आपका स्टेटमेंट जो है एजर्शन है वो करेक्ट है आपका रीजन भी करेक्ट है इसके अंदर और रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका स्टेटमेंट का दोनों ही आपके सही है आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट मैम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कितने मार्क्स तक असम यूनिवर्सिटी मिल सकता है? के लिए, आ, देखो, 150 200 स्कोर जितना है उतना तो आपका होना चाहिए उसके बाद में सी कितना रहता है इन फोटोपीरियोडिजम लॉन्ग डे प्लांट पर हम बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लार कब करेंगे क्रिटिकल so, एक फोटो पीरियड होता है सभी प्लांट्स के लिए एक फिक्स क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है उस क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट मिले उन्हें या फिर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम हमारे पास में क्या मिले डार्क पीरियड मिले अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम डार्क पीरियड मिलेगा तो लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लार करेंगे इसी की के तरीके से कुछ और ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर ज्यादा हम डार्कनेस का पीरियड दे दें तो उनके अंदर फ्लारिंग होती है और कुछ होते हैं जिनको अपन बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स क्रिटिकल फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये तीन ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं मेनली जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि क्रिटिकल फोटो पीरियड या फिर लाइट के बेसिस पर ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पर फ्लारिंग हो सकती है तो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया लॉन्ग डे प्लांट जैसे कि हमारे पास में तोबैको निकोटियाना ये भी एक तरीके का लॉन्ग डे प्लांट है तो लॉन्ग डे प्लांट है तो इसके अंदर एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होगा उस क्रिटिकल फोटो पीरियड के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर फ्लारिंग होगी या नहीं होगी अगर इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से हमने इसको कम लाइट दे दी देखिए नाम लॉन्ग डे प्लांट है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है 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 इससे इससे हमें कम लाइट लाइट देनी है। अगर ज्यादा दे दी तो यहां पर नहीं होगी सो लॉन्ग डे प्लांट तो डार्क पीरियड जो है वो हमारे पास में छोटा होना चाहिए तो छोटे के हिसाब से हम देख सकते हैं क्रिटिकल से कम रहेगा जबकि अगर शॉर्ट डे प्लांट पूछा गया होता तो वहां पर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा हम देते लाइट चलो तो इसका आंसर हो जाएगा वेन द लाइट नाइट इज shorter than क्रिटिकल डार्क पीरियड ठीक है तो so, क्रिटिकल जो वेव है लाइट है उससे कम होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सेकेंड लेट सी ये इस आंसर इज सेकेंड Which of the following is one of the possible hazards of genetically modified crop? GM crops के लिए पॉसिबल हेजार्ड क्या हो सकता है सो so, क्या हो सकता है इसका एक पॉसिबल हेजार्ड ऑप्शन देखते हैं हम मॉडिफाइड जीन्स ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम जीन जीएम क्रॉप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप गेट्स इन टू प्लांट थ्रू पॉलिनेशन एंड दिस प्लांट माइट बिकम रेजिस्टेंट टू दी हरबी साइड एंड सो बिकम सुपर पहला ही statement आपका एक पॉसिबल देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जब बनाते हैं तो जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है और सभी जींस जो है जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो उसके फॉर्मेशन के अंदर उसके पास में वन सेट ऑफ जीन्स का जाएगा वहां पे तो क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये हमारे पास में एंथर का फॉर्मेशन करे और एंथर के अंदर डेवलपमेंट हो माइक्रोस्पोर का और वहां से पॉलिनेशन हो और पॉलिनेशन से किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कोई हमारे पास में जो वीड है ठीक है वीड्स है उनके थ्रू वहां पर पॉलिनेशन हो जाए चांस ठीक है ये एक तरीके का पॉसिबल हैजार्ड है ऐसा होना बहुत ही रेयर है क्योंकि देर आर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उस वजह से क्या है कि पोलन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता दूसरे किसी प्लांट से बट वॉट इफ किसी चांस uh, uh, किसी भी इन मिलियन चांसेस के अंदर हम देखें कि वो जो जींस है वो ट्रांसफर हो जाए अब हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया है ये क्रॉप कैसा बना है कि ताकि वो वीडी साइड से रेजिस्टेंट रहे हम वहां पर वीडी साइड स्प्रे करें तो हमारा जो मेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो वहां पर उस uh, वीडी साइड से किल ना हो वीड्स वहां पर प्रेजेंट है वो किलो अब ये जो जीन था हमने जो इंट्रोड्यूस किया इसमें वो अगर एंथर से प्लांट्स के थ्रू पॉलिनेशन के थ्रू वीड्स के अंदर ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा आपके ये एक तरीके से पॉसिबल हेजार्ड हो सकता है और ये वीड बन जाएगा आपका सुपर वीड ठीक है इट कैन बिकम सुपर वीट तो आपका पहला ही स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके का पॉसिबल है सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपके स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट फोर्थ है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सर आपका नाम क्या है योगेश मेरा नाम योगेश है इन इंटरफेज स्टेज लेस कॉम्पैक्टेड एंड हाइली कंडेंस्ड क्रोमेटिन आर कॉल्ड ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेस कॉम्पैक्टेड एंड हाइली कंडेंस्ड तो लेस कॉम्पैक्टेड एंड हाइली कंडेंस हमारे पास में कौन-कौन कौन से यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन ठीक है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन बहुत इजी सीधा-सीधा क्वेश्चन आया है है? तो आंसर इज़ एंड हिट्रोक्रोमेटिन एटीपी जनरेशन बाय केमी ऑस्मोसिस मेकनिजम तो ये बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर के थ्रू कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसा तो नहीं हो सकता ठीक है बहुत बार आया हूं मैं यहां पर तो देखो केमियोस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि सपोज कीजिए ये हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास में थायलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम इस थायलाकोइड को थोड़ा एनलार्ज uh, करके देखें तो जब हमारे पास में लाइट रिएक्शन चल रही होती है लाइट रिएक्शन चलने की वजह से बाहर से H+ जो है वो अंदर आते हैं ठीक है और उसके बाद में जब हमें एटीपी का फॉर्मेशन करना होता है तो वो इस हाइड्रोजन के पोटेंशियल को यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है तो यहां पर जब एटीपी का प्रोडक्शन करना होता है तब एच प्लस यहां पर अंदर बहुत सारे हो गए इनको पंप किया जाता है आउटसाइड में जब इनको बाहर पंप किया जाता है तो यहां पर हमारे पास में एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होता है ये एटीपी सिंथेस क्या करता है बाहर से एडीपी लेता है और इनऑर्गेनिक फॉस्पेट लेता है और उसके साथ में एटीपी का फॉर्मेशन करता है तो इस तरीके से यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ये पार्ट है ये होता है ल्यूमन ठीक है ये ल्यूमन है और यहां से H प्लस पुश किए जा रहे हैं पंप किए जा रहे हैं आउटसाइड जो कि पार्ट है आपका स्ट्रोमा ठीक है तो थाइलाकॉइड ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास में पंप किए जाते हैं H प्लस ओके ओके थोड़ा सा ये हो गया इसको रब कर देते हैं आपके ऑप्शन को द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आय फ्रॉम स्ट्रोमा टू स्ट्रोमा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो आई थिंक ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पे क्योंकि स्ट्रोमा टू स्ट्रोमा नहीं हो सकता और मे बी अगर इन्होंने दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत है द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम थाइलाकॉइड

तो so, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा ओके हिना जी द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय इज कॉल्ड एज ठीक है तो मीजो हम बोलते हैं जब कभी भी बॉडी कैविटी लाइंड होती है मीजोडम से और बेसिकली हम इसको बोलते हैं ट्रिप्लो ठीक है triploblastic. इसको अपन बोलते हैं ट्रिपलो टाइप ऑफ हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स so, यहां पर कौन से नॉन सिलोमेट है ठीक है जिनको हम बोल सकते हैं कि जिनके अंदर सिलोम की कैविटी मीजोडम के थ्रू लाइन नहीं है तो जो ये स्टार्ट हुआ था फॉर्मेशन ऑफ ये स्टार्ट हुआ था आपका फ्रॉम निमेट निमेट से ये स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें फाइलम्स के नॉन कोडेटा के तो प्रोटोज हुआ था फिर बना था पॉरीफेरा फिर सिलेंट्रेट आए थे उसके बाद में टीनोफोर्स आए थे और उसके बाद में आए थे प्लेटी एलमेंथीज ठीक है तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है हमारे पास में पॉरीफेरा था पॉरीफेरा वाला ये ए सिलोमेट था और उसके बाद में जो आए थे वो आए थे डिप्लोब्लास्टिक एंड देन आफ्टर प्लेटी एलमेंथीज इसके आगे जब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आए थे निमेट हेलमेंथीज से सिलोम का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था थीके? निमेट

ओके सो आंसर इज फोर सी ओनली ओके जे चैन ये क्वेश्चन जो है ये मैम बताएंगे आपको ठीक है जे चैन इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए आईजीई आईजीए थर्ड ऑप्शन इज आल्सो आईजीए देन फोर्थ ऑप्शन इज आईजीडी तो इनमें से हम देख सकते हैं एक छोटा सा प्लस स्पेलिंग मिस्टेक होगा चलिए तो क्या होता है बच्चों जे चेन अगर हम बात करते हैं जे चेन की तो जे चेन क्या होता है तो ये आपके दो टाइप के एंटीबॉडीज में रहते हैं जे चेन जो है हमारे ये दो टाइप के एंटीबॉडीज में पाए जाते हैं एक होता है आई और एक होता है आई जी ए डू यू ऑल अग्री आप कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हो आई जी ए का हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई जी ए और इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारा एक जे चेन यहाँ प्रेजेंट रहता है हमारा जे चेन डायग्राम नहीं बन रही है सर हां जी ठीक है तो ए में प्रेजेंट रहता है जे चेन हां पूछो ना अनन्या डेफिनेटली पूछो नहीं 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 ऐसा नहीं होगा संजीव आई थिंक आपके कॉलेज का है क्या डियर ऐसा कुछ संजीव जेएनयू अच्छा okay, जे के लिए स्कोर अच्छा खासा चाहिए ओके जेएनयू के लिए एटलीस्ट 60 70% 60% तक तो मार्क्स मिनिमम होंगे देखेंगे डेफिनेटली अनन्या आप ले सकते हो किस कोर्स के लिए चाहिए डियर फॉर एमएससी अंडरस प्रिपरेशन और सीएसआर प्रिपरेशन आप पूछ सकते हो वो भी ठीक है तो इसमें से आई थिंक हमारी तरफ से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है पेपर में ऐसी कोई गलती नहीं थी तू जो था ये आपका आईजी ए था और ये आईजी एम नहीं हो सकता है ये पक्का आईजी जी रहा होगा ये मिस्टेक हमारे एंड से हुआ टाइपिंग में ठीक है सो आईजी इज द एंटीबॉडी जहां पे जे चेन प्रेजेंट रहती है तो आईजीए में भी रहता है और आईजीएम में भी जे चेन पाई जाती है ठीक है अनन्या, थर्ड जुलाई के क्लास में फिलहाल मेरा सीएसआईआर ओके आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एमएस एंट्रेंस के मुझे पता है सीएसआर के सेशंस में फिलहाल ऑनलाइन में मुझे ठीक से आइडिया नहीं है ओके okay? आप ज्वाइन कर लो आपको सारे टीचर्स मिलेंगे बेस्ट टीचर्स ही मिलेंगे आपको यहाँ पे डोंट फरी यू विल गेट द बेस्ट टीचर्स ओनली आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हो सेशन सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरियोटाइप टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन रिटर्न एज फोर्टी सेवन ठीक है फोर्टी सेवन बोला गया है मतलब क्या तो यहाँ पे प्लस एक एक्स्ट्रा एड हुआ है तो क्या कहलाएगा इसमें से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एड हुआ है बच्चों तो क्या कहलाता है अनन्या आई एम नॉट श्योर कि फिलहाल किसका लेक्चर चल रहा है मैं आपसे एक बार कंफर्म करके बता सकती हूँ ठीक है किसका लेक्चर चल रहा है बट डोंट वरी आपको बेस्ट टीचर्स ही मिलते हैं यहाँ पे टू लर्न एवरीथिंग बाय केमिस्ट्री जेनेटिक्स किसी सर करा देंगे आ, नहीं फिलहाल मेरा कोई क्लास नहीं है सी के इसमें ओके okay? फिलहाल आई एम नॉट टेकिंग एनी सेशन विद सी ठीक है चलिए तो क्या बोला गया है यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा एडिशन की बात की गई है है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन की बात की गई है अगर हम बात करते हैं बच्चों अगर हम बात इसका आंसर फोर्थ है क्या इसका आंसर फोर्थ था, था था या थर्ड गिवन था इसका आंसर फोर्थ गिवन था या थर्ड गिवन था कोई बता सकता है प्रतीक्षा माम की बात कर रहे हो हमारे यहाँ पे दो तीन माम है आंचल माम है प्रतीक्षा माम फिलहाल नहीं है हमारे साथ में आई में एंड देन वी ऑल्सो प्रियदर्शनी किस मैम की बात कर रहे हो इसका बट संजीव ये क्यों किया गया था नॉर्मलाइजेशन आपके यूनिवर्सिटी में किया गया था क्या हुँ? इसका आंसर क्या दिया है आपके इसमें की में रिटर्न एज फोर्टी सेवन बोला गया है प्लस वन की बात की गई है ओके okay, नहीं प्रदीक्षा माम जितना नहीं अभी माम नहीं पढ़ा रहे सीएसआर में माम नहीं पढ़ा रहे यस yes, चलो इसका आंसर बता दो पहले मुझे ठीक है फोर्टी सेवन बोला गया है ओके okay, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड हो रहा है यहां पे एक एक्स्ट्रा एड हो रहा है कौन सा डिसीज होगा ये ट्राइजोमी कंडीशन ठीक है ट्राइजोमी कंडीशन नहीं, नहीं 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 ए बाबा इसको इस पर फोकस कर लो पहले ठीक है चलो काम करते हैं इस, इस क्वेश्चन पर हम आते हैं थोड़ी देर में तब तक आप मुझे इसका आंसर बताओगे एक बार कि इसमें आपको क्या लगता है ठीक है अगला क्वेश्चन पहले इस पे जाते हैं हार्डीशन कैन बी यूज टू टेस्ट हार्डी करते हैं ओके तो संजीव वो इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि देखो आपको पता है कि एग्जाम जो थी वो अलग अलग शिफ्ट में भी हुई थी और कुछ बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन होती है तो डिफरेंट पेपर दैट इज वायर द नॉर्मलाइजेशन टू प्लेस बिकॉज आपको पता है अगर बॉटनी का पेपर है तो कुछ बच्चों का एग्जाम बाद में हुआ था कुछ बच्चों का एग्जाम बाद में हुआ था ठीक है अगर हम बात करते हैं हार्डवेन वर्क की तो दिट इज यूज टू तो टेस्ट वॉट हार्डविन यूज करते हैं टू तो चेक कि आपका जो हुआ है या नहीं हुआ है पॉपुलेशन लेवल यहां पे आप चेक करते हो बच्चों आपकी एंड वी, वी चेक द होगा बिकॉज आपके एग्जाम्स अलग अलग शिफ्ट में हुई है और अलग टाइम पे भी हुई है ओके अगला सवाल अगला सवाल तो ये क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें इसमें क्या बोला गया है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द फाइलम एकिनोडर्माटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वॉटर वास्कुलर सिस्टम ये हमको किस चीज में हेल्प करता है तो ये हेल्प करता है मेनली इन दी रेस्पिरेशन ठीक है तो अकॉर्डिंग टू ठीक है तो एक काम करते हम सर को बुला लेते बिकॉज सर का ये टॉपिक है एक्नोडर्माटा का सर So, बच्चों इसका आंसर की आपको बताया बच्चों आंसर की में क्या आंसर दिया गया इसका क्योंकि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये बेसिकली इसके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है इसके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और आल्सो फूड के कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है ठीक है तो ये सभी फंक्शंस करता है एक साथ वास्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम सो so, uh, जो डिस्टिंगटिंग फीचर है वो तो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही इकाइनोडरमेट्स का होता है आपने देखा होगा कि वाटर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस तरीके से पेंटामेरस पेंटामैरसिमिट्री के होते हैं और इनके अंदर आपने इनके ट्यूब फीड्स देखे होंगे इस तरीके से जिनके अंदर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है ये जो इनके ट्यूब फीड्स होते हैं इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ये हेल्प भी कर सकता है लोकोमोशन में भी हेल्प कर देता है साथ में फूड के कैप्चरिंग में भी हेल्प कर सकता है और इसके अंदर आपके रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर सकता है तो आप एक बार बताइए कि आंसर की में क्या आंसर है इसका आई थिंक इसका आंसर थर्ड होना चाहिए एंड लेट्स सी कि इसका आंसर क्या दिएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। ओके okay. ये क्वेश्चन मैम करेंगे

तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं एंड इसका आंसर करना है तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसपे काफी बच्चों ने बोला था कि मैम इसको भी हम लगाए क्या मार्क ठीक है ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था एंड बच्चों ने इसको भी मुझे पूछा है कि इसको हम लगा सकते हैं क्या तो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको इसको लगाना चाहिए आप लोगों ने क्या आपने इसको भेजना चाहिए था तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बट यूजली यह होता है बच्चों की हम यूज करते हैं एंजाइम को टू कट दबल स्ट्रांड डीएनए इसलिए हमारा ए स्टेटमेंट जो है मुझे तो गलत लग रहा है ठीक है ए स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है और आर में क्या बोला गया है एंजाइम विद एडिन बेस एवरी 256 बेस सिक्स इफ ऑल फोर तो इसके लिए होता है, इसको हम लिखते हैं फोर टू पावर एन चार बेसिस है और क्या बोला गया है तो यहाँ पे आपके चारों बेसिस जो है वो प्रेजेंट है तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फोर टू दावर फोर दैट मीन इट इज टू फिफ्टी सिक्स तो yes, आपका जो आर स्टेटमेंट आपको जो सेकेंड स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है सो अकॉर्डिंग टू मी यस ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इसको हम नहीं भेजना चाहिए था कि इसने भेजा हुआ है तो विल चेक कि क्या आता है बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हम फोर को सही मान सकते हैं एक बार हम थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसमें आपका आंसर जो है वो थ्री नहीं होगा आपका आंसर टू दिया है की मैं ये हमारी तरफ से मिस्टेक थी दैट्स फॉर मैंने कहा था रुक जाओ इसमें तो द आंसर फॉर दिसवन एक्सेस जो पूछा गया है प्लस ट्वेंटी वन कंडीशन दैट इज फॉर दी डाउन सिंड्रोम एंड यस ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या बोला गया है वॉट आर द की इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट तो इसमें क्या क्या बोला गया है इट इज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन सही बात है ठीक है इसमें क्या होता है तो हमारा जो छोटा पॉपुलेशन पे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा बड़े पॉपुलेशन पे उतना ज्यादा इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है सो शोज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन बिल्कुल ए हमारा सही है बी में क्या बोला गया है

हो सकता है तो सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट भी सही है Fourth क्या बोल रहा रहा है? है। देखो, यहां पे natural selection काम नहीं कर रहा है. अगर हमारा नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करेगा तो उसके को कोई भी अलिय फिक्स हो सकता है चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो बेनिफिशियल हो सो यस यहाँ पे आपको भी सही है बट ई क्या बोल रहा है सिग्निफिकेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन नहीं दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट इन लार्ज पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन तो आपका ए बी सी डी सही है ई इज नॉट दी करेक्ट आंसर बिकॉज इट विल बी नॉट सिग्निफिकेंट इन अ लार्ज पॉपुलेशन तो ई हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा ठीक है अगला सवाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग पूछा गया है अगे ना दिस इज अ स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाय द रेस्पिरेटरी चेन क्रिएट अ प्रोटोन ग्रेडियंट सही सही बात है। बिल्कुल सही बात है 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 ठीक बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है जिससे आपका ए टीपी का फॉर्मेशन जो है वो होगा सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट टू क्या बोला गया है मिशेल पोस्टुलेट्स दैट टू प्रोसेस आर कपल्ड बाय अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटियल मेम्ब्रेन सो दैट द प्रोटॉन मोटिव फोर्स कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोनिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव द प्रोडक्शन ऑफ

और सेकेंड गया बोला गया है आपको जो डीएनए गाइडेज इसको मतलब टोपो एमर टू और ये काम आता है फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द पॉजिटिव सुपोकॉल सो अगेन स्टूडेंट्स यर बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे लिए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द पी सी आर इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये हमारा एक टेक्निक है एंड आपको पूछा गया है कि वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स दे हैव टोल्ड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द पीसीआर ठीक है तो अगर हम बात करते हैं पीसीआर की तो क्या बोला गया है और टारगेट डीएनए तो रिक्वायर्ड होगी टारगेट डीएनए की तो बिल्कुल सही बात है टारगेट डी की जरूरत पड़ेगी देन देव वास्ट डेट पॉलीमरेज एंड लाइगेज एनजाइम्स तो भाई आपको लाइगेज की तो जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है एंडमर वन टैक पॉलीमरेज ठीक उसके बाद में क्या बोला गया है टू प्राइमर्स एंड अ डीएनए पॉलीमरेज देन दे हैव टोल्ड अस फोर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी ठीक है ठीक है ठीक है दे हैव टोल्ड इसका आंसर क्या दिया है इसका आंसर क्या दिया है एंड एंड दे हैव आस्क्ड अस दैट डू वी है नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन तो भाई मुझे पता है मेम्रिन की जरूरत नहीं पड़ेगी

प्राइमर की और एक डीएनए पॉलीमर वी डू नॉट रिपर पॉलीमरेजिस पॉलीमरेजिस का मतलब क्या होता है तो इस केस में मल्टीपल पॉलीमरेज की जरूरत पड़ रही है ये बोल रहा है वो दैट मीनस वॉट प्राइमेज के लिए पॉलीमरेज लग रहा है लीडिंग स्ट्रैंड स्ट्रैंड लैगिंग के लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे हमको एक पॉलीमरेज और प्राइमेज और प्राइमर की जरूरत पड़ती है सो यस ए सी एंड डी आर दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। अगला सवाल इन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक स्पीशीज होमोलॉगस क्रोमोजोम कैन एक्सचेंज अ पीस विद ईच अदर यहाँ पे क्या हो रहा है जीन का फ्रेगमेंट जो थोड़ा सा एक्सचेंज हो पा रहा है पूछा गया इनमें से कौन सी बातें सही है द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग दी प्रोफेसिंग ओवर कैन चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईल अलॉन्ग अ क्रोमोजोम एंड प्रोड्यूस रिकॉर्मेंट फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्रॉसिंग ओवर का पर्पज ही होता है टू मेक द रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी तो आपका बी भी, भी बिल्कुल सही है नेक्स्ट बोला गया है टीएस मॉर्गन प्रपोज दैट नॉन पैर स्प्रिंग ओवर बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका जो भी ऑफ स्प्रिंग है वो नॉन पैर मतलब क्या है तो वो क्रॉसिंग ओवर से बना है कि वो कुछ कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है तो बी हमारा यहाँ पे सही है सी क्या बोला गया है टीएच सॉरी और डी बोला गया क्रॉसिंग ओवर डज नॉट प्रोड्यूस नहीं ऑफकोर्स अगर क्रॉसिंग ओवर काम करेगा तो रिकॉमेंट ही बनेंगे हमारे तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट गलत है ये बोला गया क्रॉसिंग ओवर इन द मियोसिस टू नहीं ये वन के वन में ही प्रोसेस को देखा जाता है सो ए बी एंड सी हमारा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे गलत है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आर एन ए इंटरफियरेंस बात की गई है बच्चों की आर एन ए जो इंटरफियरेंस होता है हमारा उसका क्या रीजन होता है एग्जैक्टली exactly वो क्यों किया जाता है इंटरफेरेंस so, का मतलब होता है कि यहाँ पे हम आर एन ए बनने के बाद में उसको हम लोग इनिबिट करवा देते हैं ऑफ दी प्रोसेसेस ताकि उस आर एन ए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो ना हो सके पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है अब आपको क्या बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है है ना

ओवर प्रोडक्शन ऐसी गलती से नहीं होता है ये पूरा एक प्रॉपर तरीके से प्लांट प्रोसेस रहता है अगला सवाल, है, ये आप लोगों को इस पर्टिकुलर, आ, प्लांट से मिलेगा, ठीक टू एनवेलप स्पाइक्स इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस एच ए और एन ए का मतलब पूछा गया है ठीक है एक होता है आपका हिम अग्लुट और एनए का मतलब होता है न्यूरा मिन तो ये भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ठीक है कलनेक्सिन तो भी प्रोटीन होता है कैल्शियम रिलेटेड रिलेटेडिन हीमोग्लोबिन नहीं होता है और हिम नेक्सिन जैसा कोई नहीं होता है सो तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था यह आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे अगला सवाल ना देखो बच्चों सीवीटी के एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखे हैं मैंने जहां पे आपको साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है सो तो लैम ब्रश क्रोमोजोम देवर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बायेंडर डिस्कवर्ड इन सॉरी सैलामेंडर ने बताया है ठीक है वॉल्टर फ्लेमिंग जो है वो हमारे इसके सही आंसर है अगला सवाल पूछा गया है आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकिंग फ्रॉम डीएनए टू इन सीक्वेंशियल मैनर तो डीएनए को पैक करने के लिए जो प्रोसेस होती है जो स्टेप्स होता है हम लोगों को उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले तो हमारे पास प्रेजेंट है डबल हेलिक्स डीएनए वी हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो जाता है उसके बाद में इन द न्यूक्म मॉडल फिर बनता है जो थर्टी नाइन एन एम का फाइबर बनता है एक फाइबर बन जाएगा हमारा पहले आपका डीएन इस तरीके से ड्रॉ करना डबल स्टैंडर्ड है उसके बाद में हम ड्रॉ करते हैं कि भाई यहाँ पे आपके ये स्टोन आ गए हैं आपका डीएनओ उसके अराउंड में फिर रैप होते चलता है न्यूक्लियोसोम मॉडल सोलोनॉइड मॉडल मॉडल इस तरीके से ये मॉडल्स आपको अलग अलग बताने हैं सो so, फाइबर के बाद में आता है आपका ये लूप्स प्रोटीन का स्केफोल्ड बनता है सोलिनोइ मॉडल आ जाएगा आपका सोलिनोय मॉडल है ये वाला उसके बाद में आपका स्केफोल मॉडल आता है फिर आपका आता है ये क्रोमोजोम दैट इज द डी सो ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है पूछा गया था कि आपका क्रोमोजोम के जो स्टेप्स है वो किस सीक्वेंस में किस किस तरीके से हो रहा है ठीक है अगला सवाल अ नर्व इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन आपको जंक्शन का नाम पूछा गया था तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना कि आपका एक न्यूरॉन रहता है

क्लेफ्ट बोलते हैं जंक्शन सिनाप्स जंक्शन बोल सकते हो सिनाप्टिक क्लेफ्ट आप इसको बोल सकते हो ये स्पेस होता है बिटवीन दी टू न्यूरॉन्स जहां से हमारा मैसेज ट्रांसमिट होता है ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपका कौन सा एंजाइम है और उसका क्या मास्ट है कि किस काम में आता है अगर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज थ्री की तो यूज किया जाता है इन दी इलांगेशन दिस इज यूज इन दी इलांगेशन पॉलीमरेज वन जो है इसका काम होता है टू रिमूव द प्राइमर एंड फिल दी गैप लागेज का काम होता है टू ज्वाइन ठीक है तो सी का आपका फोर आना चाहिए टस आपका बाइंड होता है टर्मिनेटर में एंड पॉलीमरेज इस आपको जैसे मैंने बताया था इट इज यूज इन दी इलांगेशन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड अगर यूकैरोटिक रहता तो क्या होता उस केस में फिर एप्सलॉन डेल्टा चेंज हो सकता था बट प्रोग्रेट के एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है सो इफ यू सी ऑप्शन नंबर थ्री जो है आपके सारे स्टेटमेंट्स को मैच करवा के दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अस्ट एंड रीजन पहला क्या बोला गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेकेंड बोला गया है सैक्रोमाइसिस ऑफ दी क्लास एस्कोमाइटिस इन पंजाय तो भाई स्टैफिलोकोकस ऑरियस जो है इट इज नॉट अ ग्राम नेगेटिव इट इज एक्चुअली अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस ऑरियस स्टैफिलोकोकस का मतलब मैंने बताया था कोकस का मतलब होगा कोकाय शेप्ड है एंड स्टैफिलोकोक स्टफाई का मतलब होता है बंच इसका मतलब होता है बंच आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में हम इनको बोलते हैं दे आर पर्पल ग्रेपलाइक स्ट्रक्चर इनका जो अरेंजमेंट होता है ना बच्चों ये इस तरीके से ग्रेप्लाइक बंचेस -like में अरेंज रहते हैं ठीक है जो पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव नहीं होते हैं पहली बात तो ए स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट जो है सैक्रोमाइसिस के बारे में के बारे में ये बिल्कुल सही है कि बिलोंग करते हैं टू द क्लास एस्कोमा सो ऑप्शन नंबर फोर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव नाउ आस्क्ड यू टू मैच द पेयर यह आपके प्लांट्स में से कुछ क्वेश्चन था कि भाई कौन सा हमारा मॉलिक्यूल है वो कौन से प्लांट से बना के मिल सकता है अगर आप देखोगे तो दिख रहा है 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 कि जो प्लांट होता है, यहां से हमको मिलता है अश्वगंधा देन अगर हम बात करते हैं पेपावर की तो यहाँ से हमको मॉर्फिन मिल सकता है या अगर हम बात करते हैं सिंचोना ट्री तो ये तो आपको पता होता है कि यूज टू तो ट्रीट मलेरिया क्विनिन हमको यहाँ से मिलता है तो आप डी से टू करके भी इसको मार्क

मल्टीप्लीकेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूट्रोफिल्स इम्यून में ही ये हेल्प करते हैं सो यस, बी, सी और हमारे पे सही बाकी सारे हमारे यहाँ पे गलत ऑप्शन आस्क फ्रॉम द वायरस पहला क्या बोला गया है एन आइकोसा हेड्रॉन इज अ रेगुलर विद 60 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस एंड 20 वर्टिसेस सो दे द स्ट्रक्चर ऑफ अ Regular polyhedron. Second में क्या बोला गया है या तो DNA, या तो आर एन प्रोटीन कोट कॉल दी कैप्सिड तो कौन सी बात सही है पहला स्टेटमेंट जो आइकोसाइटन के बारे में कि 60 होते हैं, ये बात ये बात गलत है हमारी और सेकेंड स्टेटमेंट जो बिल्कुल हमारा सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू डायमेंशनल प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफी का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे बच्चों आप लोग दो क्राइटेरिया यूज करते हो इन द सेपरेशन ठीक है तो कौन कौन से दो क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं विस्कोसिटी वाली बात तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगी एक होता है आपका चार्ज एन एक होता है मास वी डू नॉट यूज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस विस्कोसिटी तो आपका फ्लूड का होता है मॉलिक्यूल का नहीं होता है एंड वॉल्यूम भी हम लोग चेक नहीं करते हैं वॉल्यूम वगैरह वाली बात आपकी में आ सकती है जहां पे आप लोग उसको स्पिन करके वेट के बेसिस पे चेक करते हो so, एक होता है चार्ज एक होता है है मास वेट कितना जो हायर वेट का रहेगा वो स्लो मूव होगा लेस वेट वाला बहुत आगे मूव हो सकता है और चार्ज आपको पता है बच्चों एक तरफ होता है नेगेटिव एंड एक तरफ होता है पॉजिटिव एंड तो चार्ज के बेसिस पे भी आपका मूवमेंट देखा जाता है एक होता है चार्ज और एक होता है मास अगला सवाल है नेम द नोबेल अवॉर्डी हु प्रोवाइडेड द फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस दैट डिफरेंट जीन्स आर फिजिकली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम बाय एक्सलिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला तो ड्रोसोफिला किसने काम किया है तो द आंसर फॉर दिस इज वेरी क्लियर दैट इज मॉर्गन मेंडल की बात तो जेनेटिक्स में आती है, क्रिक ने तो, दिया है का, तो आपका जो आंसर है सो एज आई टोल्ड यू सीवीटी में बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं फ्रॉम द साइंटिस्ट डिस्कवरी हिस्ट्री तो प्लीज उसको अच्छे से करके जाना ये आपको बहुत काम आने वाला है आपकी एग्जाम में अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रिट प्रन हॉर्मोन तो एनिमल फिजियोलॉजी में से भी अच्छे देखे गए हैं, ठीक है? आपको हॉर्मोन पूछा गया था आपके आ, पेपर में माइक्रोबायोलॉजी तो कौन से, से जो रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन को द आंसर फॉर दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम दिस इज द हार्मोन जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन टोपो आइसोम क्या करता है रिमूव करता है पॉजिटिव सुपरकॉलिंग को और इंट्रोड्यूस करवाता है किसको तो नेगेटिव सुपरकॉलिंग को सो इट विल इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूसटिव सुपरकॉलिंग एंड इट विल रिमूव द पॉजिटिव सो ऑप्शन नंबर हियर विल बी दी करेक्ट आंसर अगला सवाल अच्छा यही पूछा गया है सॉरी मुझे लगा आपके उस क्वेश्चन उस पेपर में था द हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट एन एपेटाइट द आंसर फॉर दिस इज ग्रेलिन ठीक है ये आपकी बॉडी में भूख बढ़ाने का काम करता है नेक्स्ट सवाल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द दैलविन साइकिल अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये से है और आपको मैंने बताया है कि मेटाबॉलिज्म वाले क्वेश्चंस पूछते हैं हमने आज ही देखा है ठीक है तो आप लोगों को बताना था कि सीक्वेंस का इवेंट क्या होता है ठीक है तो पहला क्या बोला गया है फिक्सेशन ऑफ सीओ टू फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कि करेक्ट आंसर पूछा गया है कि, कि इनमें से कौन सा सीक्वेंशियली देखा जाए तो बिल्कुल सही है तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इस में ही किया है कि fixation, का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्री फॉस्फेट थ्री फॉस्फेट से रेड्यूस होकर बनता है आपका ट्रास्फेट सो दीक्वेंस देव मैं इज एब्सोल्यूटली ट्रू ठीक है सो थर्ड इज करेक्ट आंसर अगला सवाल ना दिस इज अबाउट द जिटोनोगी ठीक है अगर हम बात करते हैं अबाउट द जिटोनोगी तो ये तो भाई प्लांट का क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन किस तरीके से होता है सेम फ्लावर अनदर फ्लावर तो सर बता देंगे हमें ओके तो आपका क्वेश्चन है जिटोनोगी इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो किस टाइप का ये पॉलिनेशन होता है सो so, क्या किया इसका आंसर

तो इसमें क्या होता है जिटोनोगेमी के अंदर कि हमारे पास में एक प्लांट है, नहीं है। पर यह प्लांट आपका मोनोएशियस है इसके पास में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट है बट ये बायसेक्शुअल नहीं है एक फ्लावर जो है वो मेल है दूसरा फ्लावर इसके अंदर फीमेल है अब इसी सेम प्लांट के अंदर ही मेल से एंथर डेसेंस होकर के माइक्रोस्पोर्स जाकर के फीमेल प्लांट को पॉलिनेट कर दे फ्लावर वहां पर जाकर पॉलिनेशन कर दे और फर्टिलाइजेशन कर दे तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन है वो कहलाया जाता है हमारे पास में जिटोनोगेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ओके सो क्वेश्चन है हमारे पास में इन इंटर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोफोबिक साइड चेन आर हेल्ड इंटीरियर वाइल दी हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स

हाइड्रोजन बॉन्ड्स बॉन्ड्स के साथ साथ में आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेजेंट होते हैं और द रीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रेक्शन आयनिक इंट्रेक्शन ये सब प्रेजेंट रहता है रीजन सही है रीजन का स्टेटमेंट सही है बट

Okay. So, यहां पर कौन सा आइसोटोप यूज किया गया था बता सकते हो बच्चों क्या ऑप्शन रह, रहेगा इसका देखो फाइव डैश एंड बोला गया यहां पे, ठीक है तो फाइव डैश एंड स्टार्ट होता है हमारे पास में इससे फॉस्फोरस का थर्टी टू जो हमारे पास माइसोटोप है वो यूज किया गया था फॉर रेडियो रेडियो लेबलिंग Next, we have Identify the correct sequence of steps involved in the detection of specific DNA fragments from a mixture of DNA Option A, we have DNA is separated by electrophoresis and visualized by staining Option B, filter is placed in sealing bag with the solution containing radioactive probe Option C, DNA samples are cut by restriction endonuclease and loaded onto the gel Option D, a filter is washed to remove excess probe and placed an X-ray film to produce images of the DNA bands ऑप्शन ई e हमारे पास में डीएनए बाइंडिंग फिल्टर पेपर टाउल्स एंड वेज आर प्लेस्ड ऑन जेल ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन डीएनए फ्रैग्मेंट्स बाइंड टू द मेंब्रेन सो आपको यहां पर करेक्ट आंसर बताना है जो ऑप्शंस अबव है उसके थ्रू आपको करेक्ट आंसर शो करना है बताइए बच्चों क्या सीक्वेंस रहेगा यहां पे एक्चुअली यहां पे यह इसके अंदर सीक्वेंस पूछ रहा सो so हम देखें सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा uh, यहां पर कट किया जाएगा डीएनए सैंपल्स आर कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंड लोडेड द जेल देन इसके बाद में डीएनए को सेपरेट करेंगे दीज आर सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरिंग एंड बाय स्टेनिंग एंड देन डीएनए बाइंडिंग फिल्टर पेपर एंड वे आर प्लेस्ड ऑन जेल ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन डीएनए फ्रेगमेंट्स बाइंड टू द देन इसके बाद में फिल्टर को हम प्लेस करेंगे फिल्टर इज प्लेस्ड इन सील्ड बैग विद सोल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोब एंड देन लास्ट में हमारे पास में इसके बाद में आएगा फिल्टर को हम वॉश करेंगे फिल्टर इज वॉश टू रिमूव एक्सेस प्रोब एंड प्लेस्ड ऑन एक्सरे फिल्म टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ डीएनए आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा द ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर आंसर नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम ए एल डी आई एम एस ओके मालडी एम एस सो क्या रहेगा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉपन और आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सी एनिमोन एंड कोरल्स बिलोंग टू द तो कोरल रीफ और सी एनिमोन्स दीज बिलोंग टू सिलेंट्रेट्स सिलेंट्रेटा क्या एनिमल्स हैं ये सी एनिमोन और कोरल्स ओके ये भी आंसर सीधा सीधा है

ये डेक्सट्रन का प्रोडक्शन करता है तो आंसर हो जाएगा सेकंड नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद हमारे पास में जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग किससे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट्स स्पीशीज कंजर्वेशन डिटरमाइनिंग पैटरनिटी और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्या लगाओगे बच्चों इनमें से ओके सो सस्पेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन में हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग यूज कर सकते हैं करते भी हैं स्पीशीज के कंजर्वेशन में भी यूज करते हैं और पेटर्निटी में भी कन्वर्ट करते हैं बट ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है इसके लिए हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग करके देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ दो स्टेटमेंट्स गिवन है आपके लिए एक है द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आर यूज्ड टू साइज एंड क्वांटिफाई आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली स्टेटमेंट टू है इन ब्लॉटिंग टेक्निक मोलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू दी कैपिलरी एक्शन आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं कितने स्टेटमेंट आपको यहां पर रीजन नहीं बताना है यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पर आपका क्वेश्चन है okay? आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताना तो स्टेटमेंट फर्स्ट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है इट इज यूज टू साइज एंड क्वांटिफाई आर एन एंड प्रोटीन मेलिक्यूल्स और स्टेटमेंट टू है ब्लॉटिंग टेक्निक जितनी भी होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो यहां पर क्या किया जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनको ट्रांसफर करते हैं जेल के लिए जेल uh, मेम्ब्रेन में बाय एक्शन तो दोनों ही स्टेटमेंट है आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शंस ऑफ़ दिलोमेर इज ऑप्शन ए प्रोटेक्ट इंटेक्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स फ्रॉम इंप्रॉपर फ्यूजन और डिग्रेडेशन ऑप्शन बी अटैक द इंटैक्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एट द सेंट्रोमेरिक रीजन

वॉटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू स्पोर्स डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बायस ऑफ टीथ ओनली और फोर्थ हिट्रोस्पोरी एंड सीड है स्पोरोट फुली और पार्शली डिपेंडेंट इन ऑन गेमिटोफाइट तो, uh, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी और जो स्पोरोट होता है वो तो या तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है

तो आंसर हो जाएगा आपका फोस्फो इथेनोलमिन एंडो कोल थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इसमें स्विंगो हेड ग्रुप इससे बना नेक्स्ट है पास में आ, हमारे पास में दो लिस्ट है आ, एक तरफ हमारे फाइलम दिए गए और दूसरी तरफ इनके सेलेंट फीचर्स दिए गए और हमें मैच करना है तो पोरिफेरा हमारे पास में तो पोरीफेरा को हम बात करें तो इनके अंदर दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच हैव बॉडी पोर्स एंड कैनाल इन वॉल के अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होती है और बॉडी वॉल्स प्रेजेंट होती है इसकी Force के थ्रू तो ए का हो जाएगा सेकेंड ओके सो यहीं से आंसर आ गया हमारा ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा जैसे ही हम फर्स्ट को मार्क करेंगे बाकी हम देखें तो टीनोफोरा टीनोफोरा का अगर अपन मैच करें तो इसके अंदर आएगा टीनोफोरा के अंदर कॉम प्लेट्स होती है लोको में तो ये हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन प्लेटे हेलमेन थी इसकी हम बात करें

सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स सो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होगी कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट के ऊपर फर्टिलाइज ना करे फीमेल को या फिर सेम स्पीशीज के अंदर आ, स्पीशीज के अंदर देखा जाए तो वेरिएशन बने तो इस वजह से क्या है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट होती है तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल है यहां पर क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट एलील्स ऑफ वन जीन और सेम जो अलील रहते हैं उनके साथ में कंपैटिबिलिटी नहीं बनाता तो यहां पर पहला ऑप्शन दे रहा है कि एस वन पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एस वन एस टू पेरेंटल नॉट कैनॉट फर्टिलाइज एग ऑफ एन एस वन एंड एस टू पेरेंटल क्या है हमारे पास में पेरेंटल है एस वन एस टू पोलन ग्रेन बना है एस वन पोलन ग्रेन तो ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग को जो कि एस वन एस टू का फ्लार है तो ये करेक्ट एस वन एस टू है तो उसको ये फर्टिलाइज नहीं करेगा पहला ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा

यहां पर जो प्रिकर्सर है हमारे पास में वाइटामिन का दैट इज सेवन डीहाइड्रो कोलेस्टेरॉल वाइटामिन डी थ्री का दिस इज द प्रिकर्सर आर द टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन है पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मिलेटोन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है आपका मेंटेनिंग द नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुसिज्म पिगमेंटेशन डिफेंस केपेबिलिटी तो दोनों स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी आर करेक्ट यस नेक्स्ट आप चूज दूस द करेक्ट स्टेटमेंट दो लिस्ट हैल्डोलेस इनोलेस

स्किड gene, gene severe severe के बारे में पूछा गया है स्किड में जीन थेरेपी यूज किया गया सक्सेसफुली तो सही बात है और पहला भी सही है कि इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम लोग एक नॉर्मल पर्सन के जीन को इंसर्ट करते हैं इंटू द पेशेंट सेल ताकि पेशेंट के बॉडी में हेल्दी जीन्स आ सके और उसे जो भी कंडीशन है कोई जेनेटिक का वो सॉर्ट हो सके सो यह स्टेटमेंट एंड टू एब्सोल्युटली करेक्ट देन पूछा गया है राइट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कंपाउंड्स इन द साइट्रिक एसिड साइकिल तो किस सीक्वेंस से बनता ही आप लोगों को पूछा गया है तो पहले आपका ऑक्जालो एसिड ही आता है साइकिल में तो आपका जो आंसर है वो स्टार्ट होना चाहिए कहां से चलो अच्छा उन्होंने क्या बोला है यहाँ से ऑक्साला अच्छा वो इस तरीके से पूछ रहे हैं ओके वी कैन गो इन दैट वे एज़ वेल ठीक है तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है उससे फिर बनेगा क्या उससे बनेगा आपका सक्सिनेट फिर आएगा हमारा फ्यूमरेट फिर मैलेट और फिर ऑक्सालो एसीटेट सो यस डी या तो शुरुआत में फर्स्ट होना चाहिए या फिर एंड में फर्स्ट होना चाहिए तो बिकॉज़ इट्स अ साइकिल है ना ये अल्टीमेटली क्या है तो ये एक साइकिल है तो ओएए प्लस एसिटाइल कोए इसे भी बनता है आपका फिर आएगा साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट अल्फा ग्लूटारेट और फिर हमारा ये यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा सक्सिन में सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट और फिर ओजालासिडेट अगेन हमारा साइकिल जो है वो चलेगा ठीक है तो ये आपके सारे क्वेश्चन है बच्चों लाइफ साइंस के ये हमारे सारे क्वेश्चन है लाइफ साइंस के आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं इस पेपर में से आपका जो क्वेश्चन था उसका कोई भी सही आंसर नहीं दिया है पेपर में तो डेफिनेटली आप उसको चैलेंज कर सकते थे एंड उसको हमने किया भी है चैलेंज सो so, जिनका भी वो क्वेश्चन गलत दिया होगा आपने अगर, अगर अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन तो आप लोगों को उसके मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन आपको मजा आया आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से डेफिनेटली आप उनको बॉक्स से पूछ सकते हो कि मैम इसको एक्सप्लेन कर दो रिपीट कर दो तो आपका वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर देना जाने के पहले सी ऑल सुन फॉर अ न्यू अशन एट इलेवन जहां डिस्कस करने वाले हैं ऑल दी क्वेश्चन ऑफ बॉटनी सी ऑल देर है ग्रेट डे एन